सबसे पहले दीक्षांत में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है और आप लोगों की तरफ से इस मंच पर विक्रम सर का वेलकम है, स्वागत है। और सर से आप परिचित हैं, निशान सर, निशान सर अपने यहां ये होस्ट भी हैं और आज थोड़ा सा गेस्ट भी हैं। सर अभी देखने में यंग दिखते हैं लेकिन यंग है नहीं, अभी बात हो रही थी 20 सालों से ये डीआरडीओ में साइंटिस्ट के पोस्ट पे काम करते हैं और एक और खुशखबरी था कि आज ही दे दिया जाए, अभी एक महीना पहले इनकी पोस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एज ए साइबर क्राइम डायरेक्टर के पोस्ट पे हुई है, जो एक साइबर सेल बना है उस साइबर सेल के सर को डायरेक्टर बनाया गया है, जो डीआईजी की पोस्ट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी नई नई चीजें बताएंगे तो इस पर प्रकाश सर डालेंगे और आगे डालेंगे। आज तो हम लोग विक्रम सर को नहीं छोड़ेंगे, विक्रम सर को ही चारों तरफ सुनना है। और सर के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। सर 1974 बैच के आईपीएस रहे हैं। जब आप लोगों के पिताजी का, शायद आप लोगों के फादर का जन्म हुआ होगा, नहीं, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के, अगर हम थोड़ा सा यूपी बिहार के शब्दों का प्रयोग करें तो धाकड़ डीजीपी जो कहा जाता है, सर उड़े हो। जिस विषय को सर आज ब्रीफ करने के लिए आए हैं, नक्सलियों से लड़ते हुए इन्होंने तीन तीन बार सर को गोली लगी है, अभी भी आपके सामने बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे यूपी के हैं, हाथ उठाओ कितने हो, हेलो। यूपी में एक बहुत खतरनाक पुलिस फोर्स का गठन हुआ था, एसटीएफ, सुना है नाम, उसके फादर सर ही रहे हैं और उसी समय ददुआ और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोगों के इनकाउंटर का श्री सर के नेतृत्व में गया है। सर को अगर इनके प्रोफाइल भरी पड़ी है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य यूपी का स्टेट मतलब दो तीन कंट्री के बराबर है, जहां लगभग 2 लाख पुलिस फोर्स है, 2 लाख सर की ज्यादा, 3 लाख पुलिस फोर्स है। तो जिसने 3 लाख पुलिस फोर्स को हेड किया हो, जबकि मैंने कभी बताया था कि फ्रांस ने सर को पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, सर के साथ मैं भी गया हुआ था पीछे पीछे, और फ्रांस में पुलिस लगभग 45,000 थे, पूरे फ्रांस की पुलिस फोर्स, तो बताने की जरूरत नहीं है कि 3 लाख पुलिस फोर्स को लीड करने वाला स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि बाकी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इस फील्ड के बाद भी एकेडमिशियन के रूप में सर आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। कई लोग सर के साथ पीएचडी कर रहे हैं और एट प्रेजेंट सर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर, एट प्रेजेंट जो इनका पोस्ट है वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी चांसलर, वाइस चांसलर से जो एक स्टेप ऊपर होता है, नाम सुना होगा आपने, स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर होता है, और सही है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। तो सर अभी चांसलर है और एकेडमिक फील्ड में, और जो टीवी पर न्यूज देखने के पसंद करने वाले लोग हैं तो सर के चेहरा से सभी परिचित हैं।
अक्सर टीवी पर सर प्रकट होते रहते हैं, प्रकट होते नहीं रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। सर के साथ चलने पर यूरोप से भी सर फटाफट लाइव हो जाते थे, कई टीवी चैनल वाले जब परेशान करते थे तो वहीं से लाइव हो जाते थे। और सबसे बड़ी चीज कि 8 बार सर को राष्ट्रपति पुरस्कार, ये एक सबसे बड़ा प्रेस्टीज का बात है, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है कि प्रेसिडेंट अवार्ड जिस व्यक्ति को 8 बार मिला हो, तो मतलब अब कहने लायक शब्द नहीं है हमारे पास। और किताबें भी सर ने लिखी है, जो प्रमुख किताब जो कि आपके इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, जो नीचे से आप देख सकते हैं आईएसआईएस पे सर की एक किताब है, इसके बाद चंबल डकैट्स पे सर की एक किताब है, और ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस पे, आजकल पुलिस फोर्स पे एक आरोप लगता रहा है कि पुलिस फोर्स मानवाधिकारों का उल्लंघन करती रही है, और एक डिबेट है, एक डिबेट है कि यदि पुलिस फोर्स को स्वायत्तता नहीं दी जाती है तो पुलिस फोर्स राज्य के अकॉर्डिंगली काम करता, और हमारे सब्जेक्ट में सीबीआई के स्वायत्तता का इशू एक पॉपुलर इशू रहा है, और ये बात बार बार उठती रही है, कई लोग आरोप लगाते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद होता है जिसकी डोर सरकार के पास होती है, इसलिए सीबीआई को एक तटस्थ बनाया जाना चाहिए और सीबीआई को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। एक डिबेट है, बट जस्ट दूसरा अपोजिट डिबेट है कि आप सपा कानून के माध्यम से पुलिस फोर्स को अधिक से अधिक क्या दे दी गई, स्वायत्तता दे दी गई। तो एक पक्ष है जो कहता है कि इस कानून को हटाया जाना चाहिए, किरोम शर्मिला का नाम आपने सुना होगा, हटाया जाना चाहिए क्योंकि जब पुलिस फोर्स को अधिक स्वायत्तता दे दी जाती है वे मानवाधिकारों का उल्लंघन करने लगती है। तो ह्यूमन राइट्स और पुलिस फोर्स एक इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर सर ने किताब लिखी है, और बाकी सर के सानिध्य में मैं रहा हूं, और मुझे सर का वो आवाज बार बार दिमाग में गूंजता है जब हम लोग बेल्जियम में या पेरिस में चलते थे कहीं पर कहीं बाहर, तो सर की आगे से आवाज आती थी, पांडे जी थक गए क्या, मतलब हमेशा मेरे से 2 कदम आगे होते थे। मेरी आदत थोड़ी छुटी हुई है चलने की, तो मैं थोड़ा धीमा हो जाता था तो सर आगे रुक जाते थे और वहां से आवाज लगाते थे कि थक गए क्या, जोर लगाई, मैं पीछे से गाता था बस चलते रहिए सर मैं पीछे। तो ये सर का एक संक्षिप्त और लगभग परिचय मैंने आपको दिया, और शुरुआत करने के पहले मैं चाहूंगा कि जो हम लोगों की क्लास की परंपरा रही है उस परंपरा के तहत सर को वेलकम किया जाए, तो मैं निशान सर से आग्रह करूंगा कि निशान सर सर को वेलकम करें। और मैं अपने छात्राओं से, कोई आ जाओ बातचीत बाहर निकलो, मैं निवेदन करूंगा कि सर को सॉल से सम्मानित करें। अब मैं निशान सर को इनवाइट करता हूं कि निशान सर थोड़ा सा ब्रीफ करे, और ब्रीफ करने के बाद सर ने कहा कि मैं आज नहीं बोलूंगा, मैंने कहा 2 मिनट बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर अपने विषय पे बोलेंगे तो लंबा चौड़ा बोलेंगे ना, पूरा का पूरा विषय ही है और हम और सर घर की मुर्गी, समझते हो ना। तो मैं सर से कहूंगा कि आप आए और एक बार
सभी छात्रों को बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं हमारे और इंग्लिश मीडियम के, तो बच्चों से मिलता रहता हूं कभी, और कुछ नए बच्चे भी होंगे जिन्होंने मेरा क्लास शायद नहीं किया हो पहले या मिले नहीं हो, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से पहले तो शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स, गुड इवनिंग। और अच्छा लग रहा है देखकर आज आप सब लोगों को एक जगह इकट्ठा इतने बड़ी संख्या में देखकर। निश्चित रूप से विक्रम सिंह सर आए हैं तो कुछ अच्छा आप लोग लेकर जाएंगे। आज सर ने बहुत अपने अनुभव, क्योंकि जो हम लोग नॉर्मली आप लोग सुनते हैं क्या है, हमारे ज्ञान है, किताबी ज्ञान, जो लोग हमारे यूपीएससी की तैयारी करके आए हैं वो आपको पढ़ाते हैं जिन्होंने किया है, लेकिन जो एक व्यवहारिक धरातल पे जो काम करके अनुभव है ना, वो आज सर आपसे साझा करेंगे विक्रम सिंह सर। इसीलिए हमने कहा कि मैं तो सर ने कहा, पांडे सर ने थोड़ा बात करने के लिए आप लोगों से, मैंने कहा मैं थोड़ी संक्षिप्त रूप में बात कर लेता हूँ, फिर आगे हमारी मुलाकात होगी या होती रहेगी। अभी जैसे कि सर ने कहा था, चूंकि साइबर सुरक्षा आपका लिए एक इम्पॉर्टेंट विषय है और आपके पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी का एक पार्ट भी है, अगर आपको आपने सिलेबस देखा ही होगा सर ने, ठीक है, तो अब इतना महत्वपूर्ण हो चुका है विषय कि इस पर प्रश्न आते रहे हैं और आगे और अधिक आने की संभावना है। आपने भी पीछे न्यूज में पढ़ा होगा, काफी डीप फेक हेडलाइंस बन रहा था, खासतौर पर जब से प्रधानमंत्री ने बोल दिया और प्रधानमंत्री का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गया है ना। तो आप ये समझिए कि अभी इसका जो उद्भव या कैसे हुआ है, जैसे आप देखेंगे अभी हम लोग जो मंच पर इधर बैठे हैं, इरशाद सर को छोड़ दें, जो तो हम लोगों ने दोनों तरह के जीवन को देखा है। मतलब एक ऐसा जीवन जो 80 के दशक में था, जो मोबाइल इंटरनेट नहीं था, और आप लोग हैं जनरेशन जेड जिसको बोलते हैं, 94-96 के बाद जो लोग इस धरती पर अवतरित हुए हैं, तो आप लोगों का क्या है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि मोबाइल और इंटरनेट के बिना भी कभी जीवन रही होगी या रहा होगा कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या है, जब इतनी सुविधाएं आपको मोबाइल पे सब कुछ मिल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो जो अपराधी हैं वो भी तो तकनीकी रूप से तेज तर्रार हो रहे हैं, तो चुनौतियां भी वैसी ही बढ़ रही हैं, हर बड़े लेवल से छोटे लेवल तक। पहले देखिए युद्ध होता था, जो वॉरफेयर कहते हैं, ट्रेडिशनल वॉरफेयर, तो लॉ, लैंड, एयर एंड वाटर, ठीक है, इसलिए क्या होती थी पारंपरिक रूप से, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। अब क्या हो गया है, दो सबसे नए आयाम जुड़ गए हैं, नए डायमेंशन जुड़ गए हैं, एक है स्पेस वॉरफेयर और सबसे महत्वपूर्ण हो गया है साइबर वॉरफेयर। किसी देश को अगर परास्त करना है ना, सबसे पहले उसके साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कीजिए, उसके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कीजिए, वो आधी लड़ाई तो ऐसे ही हार जाएगा। और यही कारण है हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट CII, अगर आईटी एक्ट 2000 देखेंगे Article 70B में, एक CII यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। तो अभी हमारे देश में पीएमओ के अंतर्गत एक संस्था बनाई गई है NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग सिस्टम सेंटर। उसका काम क्या है, ये जो देश की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रोज पेपर में पढ़ते हैं ना, 80 करोड़ आधार डेटा चोरी हो गया, हमारी व्यक्तिगत सूचनाएं चली गई, अभी DPDP एक्ट बन रहा है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, उसमें और कई नए प्रावधान आएंगे। तो ये जो अभी चल रहा है, ये बड़े लेवल से लेकर के अब ये छोटे लेवल तक, तो ये NPIIC जो NCIIPC जो काम कर रहा है, वो कर रहा है किसी देश के पूरे साइबर जो आधारभूत संरचना है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, ताकि जब वार हो, अटैक हो, तो सबसे पहले ऐसा ना हो कि हमारी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया जाए। तो उसको सुरक्षित करने के लिए जो CII यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी पहचान करना और उसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करना, ठीक है, ये प्रायोरिटी उसको दी गई है। और ये डायरेक्ट पीएमओ मॉनिटर, NTRO का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, ये NTRO के अंतर्गत काम करता है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो पीएमओ के अंदर काम करता है, उसका ये काम दिया गया है। अब आप आइए व्यक्तिगत जीवन में, तो डेली आप लोगों के पास आता है ना, घर बैठे पैसे कमाए, देखा है सबने, या कोई कॉल आएगा, एक क्लिक करेंगे 150 मिलेगा। अब मैं डेली देख रहा हूँ, 150 रुपए के लिए क्लिक कर लगाते हैं, 300 रुपए आ जाते हैं अकाउंट, 10,000 लगाकर लोग के पास 20,000 आ जाते हैं, उसके बाद वो 1,00,000 लगा देता है तो वो आता नहीं वापस, फिर वो कहता है इसको वापस लाने के लिए 2,00,000 और लगाइए, फिर फंस गया। लोगों ने 18-18 लाख रुपए फंसाए हुए हैं, पूरे एक पोर्टल रन कराते हैं हम लोग गृह मंत्रालय में, जिसमें प्रतिदिन 5,000 से 6,000 कंप्लेन आ रहे हैं सिर्फ ये, जबकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है उस पोर्टल के बारे में, जितने सीमित लोगों को पता है उनके इतने कंप्लेन है, सोचिए देश भर में कितना हो रहा होगा। और जो एक अभी अब देखिए, जो आप ये इस तरह के जो साइबर क्राइम जिनको बोलते हैं, अभी आपके यूपीएससी में भी प्रश्न आता है, नोट्स वगैरह में मिलेगा आपको, कि भारत सरकार ने हाल के दिनों में क्या प्रयास किए हैं, क्योंकि साइबर अपराध इतना अधिक बढ़ गया है। इस अपराध की दो विशेष बातें होती हैं, फेसलेस
लोकेशनलेस, अपराधी का कोई चेहरा नहीं है, आपको पता ही नहीं किसने आपको कॉल किया, और दूसरा इसका कोई निश्चित जो भौगोलिक एरिया नहीं है कि झारखंड के गांव में बैठा व्यक्ति केरल में बैठे व्यक्ति को लूट रहा है। अब विक्टिम कहां जाएगा, वो जाएगा लोकल पुलिस के पास, पुलिस क्या है विषय स्टेट सब्जेक्ट है, तो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, अब वो बोलेगा ये जुडिशियल क्षेत्र के बाहर हो सकती है बात। तो इसके लिए गृह मंत्रालय में बनाया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसका काम यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव है ना एंड कोऑर्डिनेशन और इन मतलब टैकलिंग साइबर क्राइम इन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटिव मैनर। तो वो I4C जो संस्था है उसमें ये डील प्रतिदिन ये काम हो रहा है, जो भी कुछ फेक डीप फेक हो रहे हैं या इम जो सर ने उदाहरण दिया था इम्पर्सनेशन कहते हैं, एक व्यक्ति का रूप मतलब आप प्रोफाइल बनाकर दूसरा व्यक्ति बन गए और लोगों को बेवकूफ बनाया, तो इस तरह से बहुत तरह के केसेस चल रहे हैं। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, जो भी आज की डेट में हमारे प्रतिदिन 30 मिलियन UPI ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक दिन में, 3 करोड़, और लगभग हमारे देश में 120 करोड़ लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं जिसमें अधिकांश मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं, तो उतने ही भारी संख्या में अपराध भी हो रहे हैं। तो इसीलिए ये जो संस्था बनी है जिसमें मैं अभी जो देख रहा हूँ उसमें यही काम है उसका कि लोगों में अवेयरनेस करके और जितने भी इस तरह के रिपोर्ट हो रहे हैं उनको अपराधियों को पकड़ना, डिफरेंट एलियज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, नेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग हो किस जगह पे अपराध हुआ, कितने दिनों में क्या हुआ, अब कार्यवाही हुई, और लोगों को सबसे अच्छी बात है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आप पहले से जागरूक रहेंगे तो ऐसे अपराध शायद होने से रोक पाए, तो एक जागरूकता फैलाना। तो 1930 एक नंबर होता है जिसपे आप या आपके जो भी सगे संबंधी किसी के साथ हो जाए वो कॉल कर सकते हैं। cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है जहां तुरंत आप सूचना डाल सकते हैं, जितनी जल्दी सूचना डालेंगे उतनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, आप लोग आगे इसके बारे में डिटेल जानेंगे, लेकिन मैं अभी जो है ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी विक्रम सिंह सर बैठे हैं हमारे बीच, तो आप लोग इस वाले पक्ष को सुनेंगे सर जो अपने अनुभव से बताएंगे, जो इतना लंबा अनुभव है सर के पास, और हम लोग साइबर के बारे में फिर आगे कभी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके साथ ही आप लोग को शुभकामनाएं देता हुआ सर से आग्रह करूंगा विक्रम सिंह सर से आए और अपना व्याख्यान शुरू करें आपके बीच। थैंक यू। माय डियर चिल्ड्रन, गुड इवनिंग, वंडरफुल, इट इज सो सो गुड टू लिसन, सी यू एंड वॉच योर एंथुजियाज्म। With this level of enthusiasm, before we go and study Naxalism and left-wing extremism, like you, I was also sitting in one class in the year 1973. So they were negative kind of people, Professor Khan. Tum zindagi mein nahi aa sakte ho. Tum zindagi mein IPS, IAS mein nahi aa sakte ho. Kyun sahab, aapke paas koi aala hai kya? Nahi, tumhare tayyari bilkul do kauri ki hai. तो एक तो ये कर लीजिए, जो आपके बारे में ऐसे नकारात्मक ख्याल रखते हैं उनसे अपने को दूर बना लीजिए। शाम होती है, चमगादड़ उल्लू घर से बाहर आ जाते हैं आपका खून पीने के लिए, तो जो लोग आपका खून पीने के लिए आ रहे हैं उनसे हो जाइए दूर, और जो आपके खून बढ़ाने वाले हैं उनका साथ दीजिए। इसमें है आपके वालदैन, आपके माँ बाप, आपके उस्ताद, आपके शिक्षक, योर टीचर्स, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स नहीं जो डेटिंग एप्स वाले हैं, ये सब जो अभी बताएंगे कितना नॉनसेंस, पिट करके आते हैं, कपड़े उतर के जाते हैं, इसलिए कोई बेवकूफी का काम ना कीजिएगा। फिर कभी आऊंगा तो समझाऊंगा मैं आपको, फिर कभी समझाऊंगा मैं। चूज योर फ्रेंड्स, एफर्मेटिव, आई एम अ विनर, मेरे साथ कहिए आई एम अ विनर, आई कैन डू इट, गॉड इज बाय माय साइड। ये दिन में 2-3 बार रिपीट कीजिएगा और आप खुद देखेंगे कि आपका माइंड एक विनर वाला हो जाए। अभी तो आपको जो मार्केट फोर्सेस से समझा रहे हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया है ना। ऑल ऑफ यू आर विनर्स, योर पेरेंट्स हैव सेंड यू हियर टू बिकम IAS एंड IPS एंड ऑल ऑफ यू। मैं जीता जगता एग्जाम्पल आपके सामने, कभी अपने क्लास में फर्स्ट नहीं आया क्योंकि मेरी लाइन दूसरी थी। प्रयागराज से कोई बच्चा है, अच्छा, श्री हनुमत निकेतन सिविल लाइंस में तब जिम होता नहीं था, अखाड़े में जाके रोज कुश्ती लड़ना, टंड बैठक करना, तो लोग कहते थे तुम भाई अखाड़ा ही पकड़ कर, तुम्हारे बस का IAS IPS नहीं है। और क्लास में भी बड़ी मुश्किल से लटक लटक करके पास होते थे, लेकिन जब ये परीक्षा आई
तो पापा मम्मी ने यही कहा कि तुम अपने आप को एक साल दे और तपस्या कर, तपस्या कर लो, फिर देखो तुम जिंदगी में जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। यकीनन वो तो किया ही, फिर और क्या क्या किया मैं तुम्हें बताऊंगा, उसका कोई प्रमाण नहीं है वैज्ञानिक, लेकिन आईपीएस में फर्स्ट आया। आज भी मेरा रिकॉर्ड है पर्सनालिटी टेस्ट का, आईपीएस में ऑल इंडिया फर्स्ट। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर मेरे ऐसा लड़ाकू मवाली आईपीएस में टॉप कर सकता है तो एक एक बच्चा जो बच्ची यहां बैठी है वो बिल्कुल आ सकती है आईएएस में आईपीएस। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जितने मेरे खराब नंबर आए थे उससे खराब तुम में से किसी के नहीं आ सकते। खान साहब मेरे ज्योमेट्री में दर्जा 9 में बोर्ड के जो पहले साल का होता है मेरे 60 में 3 नंबर थे। कितने नंबर थे? 3 मार्क्स, 30 नहीं 3, 3 मार्क्स। लेकिन एवोल्यूशन, लेकिन 10th में 99 मार्क्स, ये पोटेंशियल बोर्ड एग्जाम में। इसी तरीके से एमएससी में टॉप किया, ये भी सही है, लेकिन जो रेपुटेशन होती बद अच्छा बदनाम बुरा कि कहीं कोई झगड़ा फसाद यूनिवर्सिटी में हो जाता थे, तुम लोग अभी अभी हम विक्रम सिंह को लेके आते हैं वो तुम्हारी हालत ठीक खस्ता करते हैं, यही रेपुटेशन पुलिस में भी बनी रही थ्रू आउट कि जो कहीं हिंदुस्तान में जिसके कोई नकेल ना कर सके तो वो एसटीएफ के आईजी साहब को बुला दो वो दिखा देंगे। प्रोफेसर पांडे ने बताया कि मानवाधिकार के ऊपर किताबें लिखी हैं, वो इसलिए लिखी हैं क्योंकि हम मानवाधिकार के विलोम माने जाते हैं, हम मानवाधिकार के विलोम। अगर मानवाधिकार के कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो लोग कहते थे सर आप यहां कैसे, क्यों कि ये मानवाधिकार की, ये दानवाधिकार की कॉन्फ्रेंस थोड़ी हो रही है। लेकिन बाद में हमने देखा कि एसटीएफ में आने का जो रूपांतरण हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको ब्रेन मैपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ईईजी, ईसीजी और इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट, स्लाइडर, आपको किसी को छूने की भी जरूरत नहीं है और जो कुछ भी उसके अंदर है वो सब आप बाहर निकाल सकते हैं बिना किसी को छुए स्पर्श किए, वरना भगवान न करे किसी को थाने जाना पड़े, वरना थाने में जब आप जाते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि जो आदमी अपनी इच्छा से थाने वाने नहीं जाता है क्योंकि वहां नाना प्रकार की अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं, चीत्कार की आवाजें आती रहती हैं, तो उसकी क्यों उसकी जरूरत पड़ती थी। अब फिर कभी कोई मौका आएगा। अब हम लोग बात करते हैं नक्सल या जो इंटरनल सिक्योरिटी जो आपके जनरल स्टडीज का पेपर नंबर 3 ऑफ जनरल स्टडीज एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी चिल्ड्रन यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट जनरल लेट सीडीएस विपिन रावत सर हैड सेड दैट इंडिया इज फाइटिंग ऑन 2.5 फ्रंट्स। विच आर द 2 फ्रंट्स? चाइना, पाकिस्तान, एंड विच इज द हाफ फ्रंट? इंटरनल सिक्योरिटी इशूज। तो इंटरनल सिक्योरिटी इशूज आर सच that they need to be addressed more importantly because our western neighbor Pakistan says give 1,000 cuts and the way to give 1,000 cuts is loot, dissensions, internal rioting situations and mayhem. The left-wing extremism is a very interesting aspect and I will tell you how it grew and evolved without going too much into the background. Mao Zedong, Chairman Mao, wrote the Red Book of Mao. He said, revolution begins from the barrel of the gun. Revolution, kranti ki shuruaat banduk ki naal se shuru hoti hai. Kranti ki shuruaat banduk ki naal se hoti hai. Aur ye jis jis tarike ke hatyakand ye kar dete hain, उससे आप खुद देखेंगे। मैं मिर्जापुर में रहा हूं, वहां चरमपंथी कहते थे 6 इंच छोटा कर देंगे, 6 इंच छोटा कर देंगे। कैसे कर देंगे? गला काट देंगे और उसके बाद उसी के खून से पोस्टर बनाएंगे, लाल सलाम जिंदाबाद, माओ से तुम जिंदाबाद।
हालात ये थे कि कोई वहां पोस्टिंग नहीं चाहता, इतना उनकी दहशत होती थी। और उसके बाद वहां संगीत संध्या होती थी, लोकगीत। उन्हीं में जहां लाश रखी है, सर अलग रखा है, उसकी ट्रॉफी बना करके उसी के आसपास संगीत संध्या और नृत्य होते थे, फिर जन अदालत लगती थी। अच्छा, तुमने दहेज मांगा, चलो अब दहेज की रकम वापस करो, पत्नी का पैर छुओ और पत्नी को साथ लेके जाओ। तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम फेल हो गया था, एक तरीके से उसका रिड्रेसल वो करते, इसीलिए इतने लोकप्रिय हो गए, इसीलिए उनकी पूछ हो गई। पुलिस कर्मियों का यह हाल था कि जहां देख रहे हैं कि 6 इंच छोटा करने की नौबत आती है, तो तंदुरुस्ती हजार नियामत कहीं फिर नोएडा या गाजियाबाद चले, फिर यहां 3 जनपद उत्तर प्रदेश के बहुत प्रभावित, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और आंशिक रूप से इलाहाबाद भेजा तक का। वैसे भारतवर्ष के अगर सिनेरियो आप देखें, पशुपति से तिरुपति तक, पहले इसको हम लोग कर ले, पशुपतिनाथ काठमांडू और तिरुपति बिल्कुल साउथ इंडिया के एक्सट्रीम तक आके पूरा एक रेड कॉरिडोर काट करके नक्सलिज्म का उसको अलग करते। अब आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं सर। ठीक, थैंक यू निशान सर, थैंक यू। पशुपति से तिरुपति तक पूरा एक ईस्टर्न कॉरिडोर जो खाद्य और खनिज से, विच इज सो रिच विथ मिनरल्स मटेरियल एंड माइनिंग वेल्थ ऑफ द कंट्री, दे वांटेड टू सेपरेट इट एंड टेक इट अवे फ्रॉम द कंट्री। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये चरमपंथी नहीं चाहते थे कि भारत का कोई विकास हो। आई विल टेल यू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। मोबाइल कंपनी आई, वहां टावर लगाया, नक्सलाइट से आकर के उसको काट दिया रातों रात। कोई फैक्ट्री आई, फैक्ट्री ने वहां जमीन ली, वहां पर जाकर के 4 आदमी को काट करके उनका सर एक एक कोने पे जाके टांग दिया। तो इंजीनियर वगैरह तो भाई भले घर के मुंबई, गुजरात, केरल से आते, तो हमें यहाँ काम ही नहीं करना है। नतीजा ये हुआ कि करीब 40 साल किसी तरह का कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि उनका टेरर ऐसा था। प्रशासन की अगर हम बात करें, आपने गरीबी, कितने बच्चे हैं जो मिर्जापुर या सोनभद्र चंदौली के आसपास के हैं? ठीक, तो शायद आपको मालूम होगा वहां गोबर, एक वर्ग है गोबर इकट्ठा करता है, और गोबर को धो करके उसमें से जो अनाज बचता है उसको सुखाता है, और उसको सुखा करके उसकी रोटी बना करके तब वो खाता है। इतनी गरीबी, आप तो समझ नहीं सकते, आपके एक पिज्जा की जितनी कीमत होती है उसके आधे में उनका महीने भर का घर चलता है। एक औरत है, वो नवजात शिशु को ट्रक के आगे फेंक देती है, क्यों? या तो मर जाए तो उसका भरण पोषण दवा उससे मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो कंपेंसेशन मुआवजा मिल जाएगा। एक फल होता है महुआ, कितने लोग जानते हैं महुआ? अच्छा, सभी जानते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है, मैंने तो वही सुना था। तो महुआ बीन करके अपने बच्चों को खिलाती, क्योंकि मीठा बहुत होता है, तो बच्चे को थोड़ी देर के लिए नशा हो जाएगा तो बच्चा चुप हो जाएगा, उतनी देर कम से कम हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, और फिर बच्चे को ट्रक के आगे फेंक देंगे, एक बेहोश बच्चे। तो इस तरीके की जब गरीबी होती है और सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई इमदाद, कोई इलाज, किसी तरह का कुछ उनको नहीं मिलता है, तो आदमी फिर जो नक्सलपंथी आता है वो उनको कुछ अलावेंस देता है, तुम्हारे घर का राशन दे देगा, उनके घर का कुछ दवा दे देगा, और ज्यादा नहीं, डिस्प्रिन की 10 गोली दे देगा, लाल दवा दे देगा, पट्टी दे लगा देगा। तो उनको ये लगता है कि सरकार से ज्यादा तो नक्सल हमारा ख्याल रख रहे हैं, गरीबों में बच्चियों की शादी करा देंगे, कभी कपड़े दिलवा देंगे। तो शासन प्रशासन ने जो वहां पर दुर्व्यवस्था की, हाँ श्योर, तो वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनकी जमीन सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने हथिया ली, और उनकी जमीन हथिया लिए, मान लीजिए एक 100 परिवार अनुसूचित जाति के हैं, उनकी जमीन सामंती लोगों ने हथिया लिया,
आप कहे मुकदमा लड़िए जाकर के, एसडीएम कहां बैठता है? मिर्जापुर। हार गए, डीएम कहां बैठता है? मिर्जापुर। कमिश्नर कहां बैठता है? बनारस। हाई कोर्ट कहां है? प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली। अब ये बता दीजिए कितने अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ऐसे हैं जो बनारस जाके मुकदमा लड़ सकते हैं या प्रयागराज जाके इलाहाबाद मुकदमा लड़ सकते हैं? दिल्ली। कोई नहीं, एक भी नहीं। सरकार की तरफ से एक कल्यूसिव लिटिगेशन, कल्यूसिव लिटिगेशन होता है हमारा आपका कोई विवाद नहीं है। आपको मैंने देखा कि आप थोड़ा पैसे से कमजोर हैं, आपकी जमीन मैंने हथिया ली और मुकदमा लिया, आपको मालूम ही नहीं। और कोर्ट में जा करके हमने एक तरफा आदेश ले लिया कि इनकी जमीन हमने ले ली है, और आपको जब हम कब्जा लेने आते थे हमने कोई मुकदमा किया ही नहीं। वास्तविकता यह है कि आपके नाम से हमने पूरा छदम रूप धर करके हमने पूरा कब्जा बेदखली कर ली, यानी अन्याय की पराकाष्ठा। अन्याय की पराकाष्ठा इसी को कहते हैं कि आपको मालूम नहीं, बहुत बड़ी आपकी काश्त नहीं, मुश्किल से 2 बीघा या 3 बीघा होगी, वो भी हमने हथिया ली। तो डेवलपमेंट का न होना उसका एक कारण तो ये था, विकास का न होना क्योंकि औद्योगिकरण का न होना, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज का न होना, तीसरी चीज एक इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन, एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट वॉज नॉट सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और दिखाई ये पड़ता था कि जो सामंती लोग थे उनके यहां जाके दावतें उड़ाना, उनसे तोहफे लेना, उनके साथ रिश्ते बनाना, तो वो भी समझता था गरीब और कमजोर वर्ग का आदमी कि हमारी तो सुनवाई होगी ही नहीं, सब कुंवर साहब के यहां जाकर के, उनके यहां जाकर के बैठते हैं, उन्हीं लोगों की सुनवाई होगी, हमारी तो कोई सुनवाई हो नहीं सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब पहले हम आते हैं पुलिस के ऊपर, उसी की बात कर लें। एक समाज के दुर्बल वर्ग की महिला या पुरुष थाने जाते हैं कि हमें रिपोर्ट लिखानी, किसके खिलाफ? कि ठाकुर साहब के खिलाफ या उनके खिलाफ जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं कि उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, तो FIR लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी? नहीं लिखी जाएगी, बिल्कुल सही जवाब। तुम्हें जो करना कर लो, यहां कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हम ही हैं, थानाध्यक्ष मोहन सिंह हम ही राष्ट्रपति हैं, हम ही प्रधानमंत्री, FIR नहीं लिखी जाएगी। महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, थाने में पुनः अभद्र व्यवहार हुआ, जात शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कहां जाए? दवाएं आती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, दवा आती है 6 महीने की, साल भर की, सारी दवाएं कंपाउंडर साहब बेच डालते, जो दवाएं जनता तक जानी चाहिए थी, जो दवाएं मरीजों तक जानी चाहिए थी, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की डिस्पेंसरी में आने के पहले वो बिक जाती थी। अब हम आते हैं जंगल के ठेके, तेंदू पत्ता आपने सुना होगा, बीड़ी की पत्ती जिससे बीड़ी बनती है। मान लीजिए ये 100 हमारे तेंदू पत्ता मजदूर हैं, उन्होंने 1 महीने कमर तोड़ करके अपनी मेहनत की और उनका हक आता है 2,000 रुपए महीने का। बीच का ठेकेदार कहेगा कि 500 हमें दो, ठेकेदार का मुनीम कहेगा 250 हमें दो, एक और कहेगा। अब 2,000 अगर आपको मिलने हैं महीने के, तो आपको 2,000 की जगह मिलेगा 100 रुपए, और वो भी 100 रुपए मिल जाए तो बड़ी गनीमत समझिए, बाकी सब बिचौलिए खा पी के बराबर का। विकास हुआ नहीं, उद्योग लगे नहीं, रोजगार है नहीं, न्याय की परिस्थिति यह है कि दैट इज टोटल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, नो FIRs, नो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस एंड नो एक्सपोजर। इसीलिए आप लोग जो युवा लोग जब जायद रजदार को देखिएगा, जो खुशिस्मत हो, जिनकी पोस्टिंग सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली या इस क्षेत्र में हो, जनता के बीच में जाके रहिएगा, जनता के बीच में जाकर के, और अपनी तनख्वाह का एक पोर्शन जो मैंने किया है कम से कम 25% अगर आप कर दें तो आप पूजे जाएंगे। क्या करना है? कुछ नहीं करना। 500 लोगों की खिचड़ी बनाना कोई बड़ी चीज नहीं, 500 लोगों के लिए खिचड़ी बनाना कि आप आइए मिलिए, जिसकी समस्या है खाना हम देंगे, 500 लोगों की खिचड़ी। किसी भी अपने उद्योगपति मित्र से कहिए जो मौलिक दवाएं हैं, लाल दवा, डिस्प्रीन, छोटी मोटी एंटी मलेरिया की दवा, वो बंटवा दीजिए। महिलाओं को एक एक साड़ी खादी भंडार की दिलवा दीजिए।
और थानाध्यक्ष महोदय से ये कह दीजिए कि ये हम इनको पोस्टकार्ड दे रहे हैं, इसमें थाने का पता इनका पता है, जितनी शिकायतें इन्होंने आज की हैं, 500 शिकायतें आ गई मान एक दिन में, क्या ये 500 पोस्टकार्ड हम भेज रहे हैं आपको, अगर एक भी पोस्टकार्ड मेरे पास आया कि इन्होंने आपकी आपने उनका काम नहीं किया, तो थानाध्यक्ष महोदय आप यहाँ थानाध्यक्ष नहीं रहे, फिर कोई और आएगा। इसलिए आप समझ लीजिए कि अब तक जो हुआ था वो गैर मुनासिब नाजायज था, अब वही होगा जो कानून इनकी मदद चाहता उस तरीके से। आप ये मान के चलिए कि 6 महीने के अंदर एक रेवोल्यूशन आ सकता है, आप ऐसे अधिकारीगर वहां जाके उनके बीच बैठे, उनका दुख दर्द सुने और उनके आंसू पोंछते हैं, आप पूजे जाएंगे। मैं आज भी जाता हूं, लोग इतना प्रेम उनका, गरीब से गरीब आदमी आता है, कोई एक हाथ के कोई बच्चा बर्फी लेके आया है, 6 घंटे हाथ में बर्फी लिए, क्योंकि बर्फी उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए 5 रुपए बर्फी खरीद के और हाथ में लिए हुए 8 घंटे उसमें पानी भी गया है, उसका पसीना भी गया है, होगा दद्दू हम तुम्हारे लिए बर्फी लाए। दद्दू अंदर से पेट में गियर लग रहा है, लेकिन दद्दू ने कहा नहीं, इससे बढ़िया बर्फी मैंने जिंदगी में कभी, इससे बढ़िया बर्फी मैंने जिंदगी में नहीं। और जेब से 500 रुपए निकाल के बच्चे की जेब में डाल दिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि दिखाया था कि आप उनके मित्र हैं, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, वो ये कहने की जरूरत नहीं आई लव यू, लव आग की तरह उसकी उष्णता आप अनुभव कर सकते हैं, यू कैन फील द वॉर्म कि आप संवेदनशील हैं, आप संवेदनशीलता से उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। और हमारे ऐसा आधा कसाई और आधा इंसान चला जाए तो कहेगा यह तो समस्या रहेगी, या दरोगा जी आप रहेंगे, अब दोनों नहीं रहेंगे, एक को जाना पड़ेगा, एक को जाना ही पड़ेगा। समस्या का निराकरण कर लीजिए, अब तक आपने बहुत रिश्वत कमाई, आगे भी कमाएंगे, लेकिन जब तक मैं यहां अब रिश्वत नहीं चल। अब जितनी भी गरीब जनता है, जितने दबे कुचले लोग हैं, कमजोर वर्ग के हैं, ईमानदारी के साथ उनका कीजिए काम, वरना मुझे क्या करना है मुझे मालूम है, और परमात्मा आपको सफल करेगा, परमात्मा आपको कामयाबी देगा। तुरंत ऐसे ऐसे एनकाउंटर हो जाते हैं जिसमें 21-21 चरमपंथी मारे जाते थे, जो लोग आप लोग पढ़ने के शौक है आप लोग जाइएगा वहां पे, भवानीपुर मैसेकर लिखा है, भवानीपुर कांड, 21 नक्सलाइट मारे गए थे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उस पर हम आए हैं, नक्सलाइट से संबंधित तो नहीं है ये, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स, आपने तमाम चरमपंथी संगठनों के नाम सुने होंगे जो कि आंतरिक सुरक्षा को, इंटरनल सिक्योरिटी को कुप्रभावित करते हैं। कश्मीर में चले जाएं, पहले हम कश्मीर का ही मॉडल ले लेते हैं। कश्मीर में लोकल टेररिज्म भी है और आउटसाइड टेररिज्म भी, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में है, हाफिज सईद, अजहर मसूद, ये सब पाकिस्तान है, ये आपके नेबरिंग टेररिस्ट हैं। अब उनके जब चरमपंथी, उनके जब टेररिस्ट आके हिंदुस्तान में वारदात करते हैं, तो सिर्फ कश्मीरी में थोड़ी करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा संकट मोचन ब्लास्ट, आपने सुना होगा बनारस में ब्लास्ट हुए थे, फिर आपने लखनऊ, फैजाबाद और प्रयागराज में कोर्ट ब्लास्ट 3 दिखे थे, वो सब क्या थे? ये कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स। भाई नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होता है परिभाषा पे देखें, आप नॉन स्टेट एक्टर, तो प्रणब मुखर्जी ने जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आए थे, भाई ये कि आसमान से तो नहीं उतरते, कोई आसमान से तो नहीं उतरता है, ये कहीं ना कहीं से तो आते हैं, कहीं ना कहीं से तो इनको रसद मिलती है, कहीं ना कहीं से इनको ट्रेनिंग मिलती है, मोटिवेशन। और ब्रीफ केस जब हम खोल के उनका देखते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान के नक्शे, पाकिस्तान की दवाएं, पाकिस्तान के गोला बारूद, तो इसमें तो अकाट्य साक्ष्य है। अब आप कहेंगे तो फिर हम इसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हमारे यहां 26/11 मुंबई में हुआ, हमने कोई आक्रमणकारी गतिविधियां की नहीं की, उससे कुछ लाभ हुए और कुछ हानि हुई। लाभ ये हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आपको एक बहुत उदार एक राष्ट्र की एक छवि बन गई आपकी, कि आप छोटे मोटे मसलों पर आप समझौता और बातचीत करके उसका समाधान करते। हानि ये हुई कि
आपकी छवि ऐसी भी बन गई कि एक गाल पे तमाचा पड़ा तो आपने दूसरा गाल दिखा दिया, जब दूसरे गाल पे तमाचा पड़ा तो दोबारा आपने पहला गाल दिखा दिया। तो लोग आलोचना करने वाले ही कहते हैं कि भगवान ने दो गाल दिए, दो हाथ और दो पैर भी दिए, उनका भी इस्तेमाल करेंगे प्रधानमंत्री जी, ये जो हाथ और पैर दिए उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये खैर डिबेटेबल चीजें हैं, कूटनीति की बातें हैं। कब क्या युद्ध कर लेना, शुरू कर देना बड़ा आसान होता, उससे आसान कुछ नहीं। लेकिन आज तक कोई भी युद्ध हुआ है उससे कहीं समाधान कभी निकला हो तो ये बता दो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मिडिल ईस्ट वॉर्स, मौजूदा लड़ाई यूक्रेन, खूब इसमें दो तीन लोगों का बड़ा लाभ है, राजनीतिक व्यक्तियों का, हथियार की फैक्ट्री बनाने वालों का, जो हथियार आर्म्स फैक्ट्री, इनका लाभ होता है। सामान्य व्यक्ति जो है उसका नुकसान ही नुकसान होता है। तो उसका दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर कोई नहीं होता है, हर चीज के पीछे एक कारण होता है। और हम लोग जो इंटरोगेट करते हैं जब आदमी के पास आते हैं, मसलन आप लोग जब IPS में आ जाएंगे या जब कभी PCS या IAS में आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग STF हेडक्वार्टर जरूर जाएं, और जब हम ISI एजेंट से बात करते हैं तो उनसे आप भी रूबरू हो, देखें कैसे उनसे हम लोग बात करते हैं, पूछताछ करते हैं। तो पहले दिन तो यही कहते हैं कि साहब आप कुछ भी करना कर लीजिए। वो बच्चू जरा रुको, अभी तो हम वार्म अप भी नहीं हुए हैं, और तीसरे दिन अंकिल जी इस बार छोड़ दीजिए, अंकिल जी इस बार छोड़ दीजिए, मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। और पूरा ग्रह में फोन का रिकॉर्ड बता देगा आपको, हम कहां पैदा हुए, कहां हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, किसने हमें ट्रेन किया, किसने हमें पैसे दिए, क्या हमारा मकसद था हिंदुस्तान आने का, क्या हमारा उद्देश्य था। और आप कहिए तो हम नागरिक बन जाए हिंदुस्तान के। पेशेंट इंटरोगेशन, पेशेंट, तो नॉन स्टेट एक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई ऐसे आकाश से नहीं उतरता है स्कट मिसाइल की तरह। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स इन टर्म्स। आप लोगों ने भी हाल में देखा होगा कि NTCA एजिटेशन, NTRC एजिटेशन, उसमें आपने देखा होगा अकस्मात एकदम से, हालांकि अगर कहीं 100 आदमी इकट्ठा करने होते हैं तो उसके लिए बिल बोर्ड बनते हैं, पोस्टर्स बनते हैं, उसके लिए कार्रवाई की जाती है, लोगों को आवाहन किया जाता है, इश्तिहार किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि अभी हमने सोचा कि 2 घंटे बाद कनॉट प्लेस में 10,000 आदमी इकट्ठा होगा, हम इकट्ठा कर लें तो वो कैसे, इसको कहते हैं क्या, फ्लैश क्राउड, फ्लैश क्राउड और क्राउड फंडिंग, दो शब्द याद रखिएगा। फ्लैश क्राउड ये होता कि रूमर हमने फैला दी कि यहां पर इतना जुल्म ज्यादती हो रही है और उसको वायरल कर दिया, तो आपने सबके क्लास चलो सब कनॉट प्लेस चलेंगे, सब कह रहे कनॉट प्लेस चलेंगे, और सबने कहा कि साहब सबसे ये उम्मीद की जाती है कि खाना सबके लिए, एक आदमी एक खाना, खाना नहीं दे सकता है तो दो रोटी, दो रोटी दे सकता है तो एक पापड़, एक पापड़ नहीं दे सकता है तो एक झापड़, लेकिन कुछ ना कुछ देना होगा। तो आप ये देखेंगे फ्लैश क्राउड और क्राउड फंडिंग, एकदम से उनके पास वो माला माल हो जाते हैं। ये सोशल मीडिया के जमाने में है रूमर मंगरिंग। अभी आपको बताया जा रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीन है आपका अफगानिस्तान का, सीन है आपका सीरिया का, और उसको ऐसे मॉर्फ करके फोटोशॉप करके दिखाएंगे जैसे कि मालूम हो रहा है प्रयागराज में कटरा मोहल्ले में कर्नल ऐसा हुआ है, जबकि कोई मतलब ही नहीं उस सीन से कहीं किसी तरीके का। तो इन सब चीजों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला देना, चैलेंजेस कम्युनिकेशन नेटवर्क सोशल मीडिया। अब लोग कहते हैं कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो बताइए हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम बहुत अच्छा जवाब आप लोगों के लिए, ताली इस बात पे। मैं तो बड़े बड़े ऑफिसर्स के बीच में रहता हूं, हम इसमें कुछ कर सकते हैं तो नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो चले हुए कारतूस हैं, हम तो कटी पतंग हैं, हम तो कागज की नाव हैं, बेपेंदी के लूटे हैं, थाली के बैगन हैं। तुम कहते हो तुम हो, फिर IG क्यों बने बैठे हो, तुम फिर IG DIG क्यों बने बैठे हो, अगर तुमसे कुछ हो नहीं सकता फिर कहीं और पान की दुकान लगाओ। वो
यहां पर रूमर मंगरिंग हो रही, भीड़ इकट्ठा और आप कह रहे हैं हम कुछ करें, क्योंकि अगर कह देंगे कर सकते हैं तो कीजिए, कीजिए तो फिर उसे कैसे करें, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई तो जांच और हो जाए, प्रमोशन और रुक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो टेक्नोलॉजी आपको इतनी ताकत देती है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आईपी एड्रेस के माध्यम से आप ब्लॉक कर सकते हैं, इंटरनेट डाउन कर सकते हैं, इंटरनेट आप डाउन करके आईपी एड्रेस यदि आप ट्रेस कर सकते हैं किसने शुरुआत की है, और जिसने शुरुआत की है तो हम लोग यही कहते हैं ये आपकी जिंदगी का आखिरी रूमर मंगरिंग है श्रीमान, ये आपकी जिंदगी का आखिरी है। ये सारे जो आपके अरमान है, जैसे ऐसा एजेंट आता है पहले दिन तो जैसे तहारता, दूसरे दिन मिमियाता है, तीसरे दिन लगता है रेंगने केचुए की तरह। तो आप लोग के पास, आप समझ लीजिए, आप सब बहुत अच्छा जवाब दिया तुम लोगों ने कि हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये जज्बा है तो तुम्हें हर तरफ से इमदाद और मदद मिलती है अगर तुम चाहो कि हमें करना है। आई हैव नेवर फेल्ट हेल्पलेस इन माई लाइफ, कभी नहीं, आई हैव नेवर फेल्ट हेल्पलेस इन माई लाइफ। आपने जो सबसे बड़ा जो अपने को सूरमा समझता है, सबसे बड़ा सूरमा वो आ जाए, आईएएस आईपीएस वो ताकत आपको देता है, सबसे बड़ा सूरमा समझता है, वो चाहे राजनीति में हो, वो चाहे अंडरवर्ल्ड में हो, और वो चाहे चंबल की घाटी में हो, तो दो हाथी अब होंगे। हमारी प्रिपरेशन है, हमारी तैयारी है, हमारे हथियार है, वो बेटर है। जरा सा हिम्मत, हिम्मत मर्दा मददे खुदा, ये तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है, तुम सब पे भी लागू होता है। मेहनत करो, फल वो देगा। तो नेटवर्क की बात समझ में आ गई, कितना डैमेज कर सकता है आपको, हमें स्लो पॉइजन कर सकता है, स्लो पॉइजन करके एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर सकता है। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और करके दिखाया है। और यही नहीं, नेम एंड शेम, ए बी सी डी ई, इन लोगों ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके इन्होंने फिजा बिगाड़ने की कोशिश की। इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए सब क्लॉज पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, इसलिए इनको कुछ दिन जेल की हवा खाने थे। मनी लॉन्ड्रिंग आपने सुना होगा, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 1 करोड़ से ऊपर का अगर कोई निवेश या कोई लेन देन जो कि यह संभावना है कि ये अपराध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या किसी भी अन्य अवांछित गतिविधियों से प्राप्त किया गया है, उसके ट्रांजैक्शन में पीएमएलए एक्ट लगता है, और इसको एनफोर्स करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी चीज है, आपने देखा होगा कहीं भी, चाहे आप दिल्ली में हो जहां पर आप बैठे हैं, या आप देवरिया के हो जहां का मैं हूं, आप एक दुकान भी खरीदेंगे अगर आप, तो कह देंगे हाँ साहब नंबर 1 में इतना, नंबर 2 में इतना। तो अगर मकान की कीमत 5 लाख रुपए है, कैसे नंबर 1 में 3, नंबर 2 में 2 लाख। तो नंबर 1 क्या होता है, चेक या ड्राफ्ट से पेमेंट, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, और नंबर 2 क्या होता है, नगद नारायण कैश। तो नंबर 2 का जो ट्रांजैक्शन होता है, लाख 2 लाख के लिए तो ईडी बीच में नहीं आएगी, लेकिन वही ट्रांजैक्शन अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी यहां खरीदेंगे जहां पर आप बैठे होंगे 2 करोड़ की, और 1 करोड़ आपने नंबर 2 में लेन देन किया है, तो ईडी आपसे पूछने का अख्तियार रखती है। ये आपको सिद्ध करना है कि आपके पास ये 1 करोड़ नगद आए कहां से, और अगर 1 करोड़ का आप वांछित और माकूल संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके तो इसके बड़े भयावह परिणाम आप हो सकते हैं। ये तो हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का। अब ये एक्स्ट्रा पैसा आता कहां से है, आप ये पूछेंगे आखिर आता कहां से। आपके पापा मम्मी भी है, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, अरे भाई तो ठीक है, 50,000 से लेकर के 3 लाख 5 लाख की महीने की आमदनी हो जाती है, ये करोड़ों के वादे न्यारे कैसे हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में बहावलपुर एक जगह है, वहां पर नकली नोट बनाने की फैक्ट्री आई है। आपने सुना होगा अब्दुल करीम तेलगी, जो नासिक, उसकी फिल्म देखा तुमने, ओटीटी जरूर देखा होगा। अच्छा, बहुत अच्छा नॉलेज है तुम्हारा। क्या नाम है बेटा, क्या नाम, सामंत, वेरी गुड। तो अब्दुल करीम तेलगी ने जो नासिक की सिक्योरिटी प्रेस थी, उसकी मशीनें नीलामी से ले ली, मशीनें आ गई ऑलमोस्ट सरकारी। जर्मनी में जहां हमारे नोट छपते थे, वहां की स्याही मंगा करके आईएसआई ने उसकी प्रिंटिंग, हूबहू वही नोट जो हिंदुस्तान के थे, नासिक वाली प्रिंटिंग मशीन में अपने बहावलपुर प्लांट।
और उसको लेकर के दिक्कतें क्या हुई, उन्होंने नोट छापे नेपाल के जरिए। एक नेपाल में बहुत बड़ा बैंक है, राष्ट्रीय बैंक, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो हबीब बैंक और राष्ट्रीय बैंक ने मिलकर के एक बैंक बनाया, हिमालयन बैंक। तो नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे जो कि लगभग 1000 किलोमीटर का है, उस पर हिमालयन बैंक की कई शाखाएं होंगी। मकसद क्या है भाई, जो नकली नोट बहावलपुर में छप रहे थे उनको खेप में, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चे वो जानते हैं कि वहां पर बहुत कहते हैं 100 का 40 में, 100 का 40 में, 200 का 80 में, कि मतलब आप वहां हमारे 100 का नोट वो 40 में आपको दे देंगे। इसीलिए अगर आपको 10,000 के नोट चाहिए तो आप 4,000 रुपये दीजिए, 10,000 के नकली नोट ले लीजिए। तो उसी तरीके से करोड़ों में लेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाए। अब आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठेके पर हत्या, जबरन धन वसूलना। कि मैं बिजनेसमैन हूं, अब तो लखनऊ में भी शुरू हो गया था, बड़े बड़े कैपिटल्स पटना में भी हो गया था। वो अब आपने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, उनके भाई साहब बड़ी बधाई हो, आपने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी 7 करोड़ की, थैंक यू वेरी मच। तो उनके साहब इसे मिठाई खाने आ जाऊं, तो आ जाइए। उनका मिठाई खाने तो आ रहा हूं सेठ, मिठाई के साथ साथ जरा 2 करोड़ रुपए और रखना नगद, अकेले अकेले मर्सिडीज मत बैठना, उसमें हमारा भी हिस्सा है। अब समझा नहीं, समझ गए तो आके समझा रहा हूं मैं, और ज्यादा पिक पिक करोगे तो वो 2 का 2.5 हो जाएगा। तो ऐसे 10 गज जिन्होंने मर्सिडीज खरीदी, रोल्स रॉयस खरीदी, जिन्होंने प्लॉट खरीदे, जिन्होंने कोई बड़ी भारी बिल्डिंग बनाई, सबसे पैसा वसूल करने लगे। कोई कैश में तो लेंगे, ड्राफ्ट से चेक से तो लेगा नहीं, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का है। जबरन धन वसूलना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, अब ठेके पे हत्या करा देना है। कोई एमएलए का कैंडिडेट है, एमपी का कैंडिडेट है, देख रहे कि अगर ये खड़ा होगा तो मैं हार जाऊंगा, तुम बर्बाद हो, तो सुपारी दे दी 2 करोड़ रुपए की। ये सब तुम्हारे इस तरीके के नगद ट्रांजैक्शन जो हाई लेवल हाई प्रोफाइल कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। अब इसको देखा, कहीं भी ट्रांजैक्शन हो, अब इसके अड्डे क्या है, स्टॉक मार्केट, एक्सपेंसिव आइकॉनिक प्रॉपर्टी, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन बैंकों में निवेश, या जो टैक्स हेवन्स है वहां के ऊपर निवेश। अब मान लीजिए मैं डीजीपी रिटायर हुआ हूं तो मेरी हैसियत 3-4 करोड़ रुपए होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं लंदन जा करके या केवन आइलैंड्स में या कैनरी आइलैंड में जाके 50 करोड़ का निवेश करता हूं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिंदगी में आपने जब से आप एएसपी थे इलाहाबाद में 400 रुपए महीने की नौकरी आपने शुरू की, रिटायर जब आप हुए तो आपकी तनख्वाह 4 लाख रुपए थी, टोटल तो आपका इतना है, तो ये 50 करोड़ कहाँ से आए आपके पास, हिसाब दीजिए ईडी के सामने। तो इसी तरीके से कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो चेक्स एंड बैलेंसेस है उसको। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया। सिक्योरिटी चैलेंजेस तो आपके जहां बैठे हैं यहां पर भी है, जहां बैठे हैं यहां पर भी है, और बॉर्डर एरियाज में खासतौर पर। अभी हमने नेपाल की बात की, यूपी और नेपाल का बॉर्डर 800 किलोमीटर है, और इंडिया बॉर्डर करीब 1300 किलोमीटर का है। बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर रिवरीन है, जहां से कैटल स्मगलिंग होती है। पाकिस्तान बॉर्डर तो जमीनी है, माउंटेनस है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, और तमाम ऐसे बॉर्डर्स हैं, हालांकि उसकी फेंसिंग बिल्कुल हो नहीं पाई। हालांकि बीएसएफ, एसएसबी, पुलिस, आईटीबीपी, तो आपने बिल्कुल सही कहा, आईटीबीपी, तमाम पैरामीटर, बीएसएफ वगैरह सब लगी हुई है। लेकिन अब ड्रोन इनकर्शंस कैसे होते हैं, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं और ड्रोन में मादक पदार्थ, नकली नोट, असली नोट, क्योंकि मिलावट में भी कई तरह की होती है। एक तो सब नाजायज तो भेज ही रहे हैं, लेकिन असली एक भेज तो रहे हैं, लेकिन ये पूरा नकली है। एक खेप है जिसमें आधे नकली और आधे असली, वो भी जैसे जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन। अगर 5-6 बार टेस्ट किया हुआ कोई एजेंट है तो उसको असली भेजेंगे, ये 10 लाख रुपए है, ये पूरे असली नोट है। जो पहली बार वाला है उसको टोटल नकली भेजेंगे, पहले तुम अपना रिजल्ट करके दिखाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम अगली बार आपने रिजल्ट अच्छा दिया पाकिस्तान को तो आपको आधा असली आधा नकली। हथियार AK-47, AK-56, रिवॉल्वर, पिस्टल, और जैसे अतीक और अशरफ का मर्डर प्रयागराज में हुआ था तो जो 2 पिस्टल आई थी टर्किया की बनी हुई, उनकी एक एक की कीमत 20-20 लाख बताते हैं, वो भी ड्रोन इनकर्शन से ही आई थी। आप समझ सकते हैं कि ड्रोन इनकर्शन कितना खतरनाक एरिया है। अब संगठित अपराध, संगठित अपराध
अपराध तो ये भी है कि आप जा रहे हैं, आप जा रही हैं, आप किसी ने जेब काट ली, वो भी अपराध है, पिक पॉकेटिंग। एक अपराध ये भी है कि दो बच्चियां या आप मोबाइल से बात करें, कोई या मोबाइल छपट के भाग गए, अपराध वो भी है। लेकिन एक अपराध ये होता है कि आप भदोही में, रियल लाइफ बता रहा हूं, आपकी पूरी फैमिली में कालीन बनाने का और एक्सपोर्ट करने का व्यापार होता है। अब उन्होंने ये कहा कि सेठ जी आपका व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है, मैंने सुना है कि अभी आपने दुबई को 10 करोड़ का माल भेजा है, इंग्लैंड को भी 20 करोड़ का भेजा है, आपने अमेरिका को 20 करोड़ का है, इसका मुनाफा आपका आ रहा है करीब 20 करोड़ रुपए। तो सेठ जी ऐसा कीजिए, 5 करोड़ भाई को दे दीजिए जरा, और भाई आपको फोन करेंगे, तैयार रखिएगा माल। तो अब रियल लाइफ बता रहा हूं, नाम और जिले मैं नहीं बता रहा, क्योंकि रियल लाइफ बताऊंगा तुम्हें समझ में जल्दी आ जाए। वो भी पहुंच वाले थे, कारपेट एक्सपोर्टर थे, नामी का उन्होंने तुरंत फोन किया पुलिस मुख्यालय लखनऊ कि साहब इस तरीके से धमकी आई है, और कह रहे 5 करोड़ दे दो, क्योंकि आप चिंता ना करें। अगले दिन फिर फोन आया उनका, सेठ और 50 माँ बहन की गाली सुनाई कि तुम अपने को बड़ा तुर्रम खां समझते, तुमने जाकर के पुलिस महानिदेशक मुख्यालय फोन किया, अब तुम ऐसा करो तुम अपनी सुरक्षा कर दो, ब्लैक कैट कमांडो या जो भी तुम समझते हो कोबरा जितना है तुम्हें लगा दो, और जब तुम संतुष्ट हो जाओ कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो तो बता दो, और जिस चौराहे पे कहो वहीं आके 5 गोली छाती में, 2 गोली खोपड़ी मारूंगा, और अब 5 करोड़ नहीं, अब 10 करोड़ नहीं। इसको कहते हैं संगठित अपराध। संगठित अपराध में जो एक डायमेंशन और एक तड़का लगा है कि शासन प्रशासन की मिलीभगत और भय और आतंक पैदा करना। आपकी जेब काट ली तो भय और आतंक तो है नहीं, आपका मोबाइल छीन लिया भय और आतंक तो है नहीं, न शासन प्रशासन की मिलीभगत है। लेकिन जब अपराध की सीमा करोड़ों अरबों तक जाती है तो शासन प्रशासन पुलिस की मिलीभगत, भय और आतंक, उसको कहते हैं संगठित अपराध। और जब इलेक्शन होता है यही संगठित अपराधी हमारे भ्रष्ट नेताओं के कमाऊ बूथ होते हैं, इनकी इलेक्शन की फंडिंग, इनकी बूथ कैप्चरिंग, इनका अपराध कराना धमकाना। आप लोग तो बहुत छोटे हो, बच्चे हो, गांव देहात के जो बच्चे हैं बच्चे हो जानते होंगे इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, और आपको बुला लिया कि आप लोग किसको वोट देंगे, अरे सताऊ हम तो आप ही को वोट देंगे, उनका तो तुम यही रहो घर से निकाल, धूप में लाइन लगा के जाओगे, समझ लो तुम्हारा वोट पड़ गया, और ये सबको 500-500 रुपए के नोट दे दो, समझ रहे हो, 500 लोगों को बुला के 500-500 के नोट दे दिए, और वो धमकी भरे का बिटिया अब कहाँ धूप में लगोगी, तुम्हें दिक्कत होगी, समझ लो तुम्हारा वोट पड़ जाए तो हम ही को दोगी, तो आप समझ लो तुम्हारा वोट पड़ गया, ये लो 500-500 रुपए मिठाई खाओ, यही बैठे रहो, जाना मत वोट डाल, समझ रही हो, और वो तुम्हारे नाम के जितने नोट वोट थे वो सील पड़ करके थे, वो बूथ कैप, इसको कहते हैं साइलेंट बूथ कैप्चर। दूसरा होता है जो और थोड़ा दबंग होते हैं, पोलिंग अफसर, जैसे आप पोलिंग अफसर हैं मान लीजिए सिराथू में, तो हम गए हाकिम नमस्ते, हाकिम में थे अफसर, हाकिम नमस्ते, हाकिम तुम हमारे गांव में आओ हम तुम्हारी सेवा करेंगे, उनका नहीं हमें क्या सेवा करोगे, उनका ना जी देखो जी ये है एक लठ और ये है हलवा, एक चीज खानी पड़ेगी, ये तुम बता दो हाकिम क्या खाओ, तो हमारे यहाँ खाली हाथ तो जाओगे नहीं, लठ खाना है तो ये बता दो, जो जो बता दो क्या लठ खाओगे, और हलवा पूरी खाओगे तो उसके साथ कुछ हो शगुन भी मिलेगा, पर चुपचाप बैठे रहो, और जो यहाँ पे जैसी जैसी माहौल लग रही लग देने, इसको कहते हैं दबंगई से बूथ कैप्चरिंग। संगठित अपराधी इसी तरीके से बूथ कैप्चरिंग की मदद करना, वोटिंग को इन्फ्लुएंस कर लेना, नाजायज कामों में लोगों की मदद करना, ये तो हो गए तुम्हारी बूथ कैप्चरिंग। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या बेटा वेरियस सिक्योरिटी फोर्स, समय देख रहे बेटा तुम्हारा ज्यादा समय, 7:15 हो रहा है, तुम लोगों को कब तक मैं बैठा लूं तुम लोगों को घर जाने में बच्चियों को दिक्कत होगी, 9 बजे तक, 8 बजे तक तुम, क्या बेटा, अच्छा 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 अच्छा, चलो जब तक कहोगे। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस
हाँ बच्चों सुन लो इंटरेस्टिंग बातें, फिर मैं नहीं बताऊंगा अगर तुम लोग हल्ला गुल्ला करो। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, एक तो दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक तो स्टेट की फोर्सेस की हम बात करते हैं, पुलिस फोर्स, और पुलिस में जैसे अधिकांश बच्चे हैं बिहार यूपी के हैं तो पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स कौन कौन सी है? पीएसी है, और पीएसी के क्या बेटा असम राइफल असम की है, बिहार में बीएमपी है, बिहार मिलिट्री पुलिस है, और विद इन द फोर्स आपकी एसटीएफ है, और बॉर्डर की भी फोर्सेस बनाई गई है, और शांति सुरक्षा बल की तरह भी फोर्सेस बनाई गई है। और भारत सरकार में 11 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अगर गिनाना शुरू करें बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, वेरी गुड। हाँ तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनका एक खास काम है सीआईएसएफ एयरपोर्ट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश का है उसको सेफगार्ड करना है। सीआरपीएफ आपकी एंटी नक्सल ऑपरेशन से बहुत रही, हम आगे देखेंगे उसको कि उसने कितना अच्छा काम किया है। बीएसएफ बॉर्डर के एरियाज को, बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर्स को, आईटीबीपी आपकी तिब्बत बॉर्डर को देखती, पहाड़ के एरियाज को देखती है, एसएसबी जो है आपके और जो नेपाल बॉर्डर है इस तरीके के थोड़े साइलेंट बॉर्डर से इनको देखती है, और कोस्ट गार्ड आपकी जो मेरीन आपका जो बॉर्डर है ये उसको देखती है। तो ये तमाम फोर्सेस हैं, और इन फोर्सेस का विकास कैसे हुआ है, नक्सल फोर्सेस के लिए भी मैं दिखाऊंगा उनकी वेपनरी क्या है। आखिर आप ये पूछेंगे कि आप इतने सुसज्जित, आपके पास बढ़िया राइफल है, एम्यूनिशन है, आप लोग ट्रेंड है, फिर हमेशा आप ही पिट के क्यों आते हैं? उसका कारण हम आपको बाद में बताएंगे, हम लोग पिट के क्यों आते थे और अब नहीं आते, अब वही पिट के जाते हैं। अब हम बात करेंगे नक्सल पंथियों के ऊपर। तो अभी हमने माओ से तुम की बात की थी, माओ से तुम की जब हमने बात की थी तो रेवोल्यूशन बिगिंस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, वो तो ठीक है, आप तो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर इज ऑल्सो मेंटेन फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ठीक है ना, हम लोग भी यहां पर शांति पाठ पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, आईएएस आईपीएस में जो आप लोग हैं और आने वाले हैं, हम लोग भी यहां मंत्रोच्चारण करने के लिए या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं। बंदूक की नाल से अगर क्रांति आती है, बंदूक की नाल से आप ऐसे लोगों की नकेल भी की जाती है, ये न कशीदों से चलती है और न चलती है दोहे से, ये है इंतजाम पुलिस, ये चलती है लोहे से। आप नेट पे जाइए, अब तो मैं रिटायर हो गया, बुढ़ा आदमी हूं मैं, तो बिला दांत का शेर जैसे होता है, आज भी हिंदुस्तान के जो चोटी के माफिया हैं, चोटी के वो है, वो कहते हैं कि अगर उनके ऊपर कभी आक्रमण हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी मान, ये दहशत होती है, ये नहीं कि बरेली जेल में चले गए तो हम कहते हैं साहब हमारे ऊपर बहुत डर है, हमारी पुष्टि यहां से करते, ये सब दिस इज ऑल नॉनसेंस। नक्सलिज्म की अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत और इनके ऊपर प्रधानमंत्री तक के स्तर पे, 2008 में पुलिस महानिदेशक कॉन्फ्रेंस हो रही, तब मैं डीजीपी यूपी हो करके प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस में गया था 2008 में, अजीत डोवल जो तब आज एनएसए हैं तब डायरेक्टर आईबी थे, तो उन्होंने ये कहा था कि भारत के भूभाग का 40% नक्सल क्षेत्र हो चुका है 2008 में, 40% भूभाग नक्सल क्षेत्र में एक तरीके से आच्छादित हो चुका है, और कहां पर संभावित है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, टारगेट्स, धार्मिक संस्थान, फौजी कैंप्स, चरमपंथियों की गतिविधियां को जरूरी नहीं कि केवल कश्मीर में हो, ये कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है जहां पर उनकी समझ में आए कि उनको आक्रमण करके सर्वाधिक पब्लिसिटी, मैक्सिमम पब्लिसिटी मिल सकती है, वहां पर वो अटैक कर सकते हैं। पहले था केवल पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर नक्सलिज्म, तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है, क्या गुजरात में नहीं होता है, तो ये डेफिनेशन ही गलत है। डेफिनेशन ये है कि नक्सलिज्म और जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट तो वही है, और पूरा देश और देश के साथ साथ हमारे जो विमान, हमारे युद्ध पोत हैं वो सब इससे कवर्ड हैं, कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। जिस रेड कॉरिडोर की बच्चों हम बात कर रहे थे, पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर, जिससे कि जो सबसे अच्छा खाद्य और खनिज पदार्थों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्थान है वो चरमपंथी अपने कब्जे में ले, ठीक है बच्चों। ये एमएन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2024 में, बहुत इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है,
फिर अंग्रेजों ने इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इनको प्रतिबंधित कर दिया था, और चाइनीज वॉर जब हुआ था 62 में तो सीपीआई और सीपीआईएम में इनका डिवीजन हो गया था। सीपीआईएमएल 1969 में चारू मजूमदार ने बनाया, और उसके बाद इसके तमाम और सब सीपीआईएमएल और भी ऐसे तमाम आउटफिट्स हो गए। और अभी तो इनके आउटफिट जब आप देखेंगे, मैं जब मिर्जापुर में था, नहीं बनारस में जब था, जब कभी कोई नक्सल पकड़ा जाए, जब कभी कोई नक्सल पकड़ा जाए, पता नहीं कहां से दिल्ली के बच्चे तुम लोगों की उम्र के वो खादी भंडार का झोला लेकर के और कोल्हापुरी चप्पल कुर्ता पजामा पहन करके चले आते थे आंदोलन करते। अरे बेगुनाह लड़कों का उत्पीड़न पुलिस और प्रशासन, निर्मम क्रूर प्रशासन उनका शोषण उत्पीड़न कर रहा है। तो मैं तो जानता हूं कि ये कौन है, इन क्या है, इन्होंने हत्याएं की हैं, इन्होंने थाना लूटने का प्रोग्राम बनाया था। आपके पास क्या सबूत है कि ये बेगुनाह है? ये नहीं तो हमारे काडर के लोग हैं, ये ऐसा काम करना छोड़ दे, ये कभी सोच, उनके डायलॉग सुन लीजिए, कादर खां के डायलॉग बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल इतने आत्मविश्वास के साथ। और हम आपको सचेत करना चाहेंगे पुलिस अधिकारी महोदय, कि अगर आपने अपना रवैया नहीं बदला तो हम आपके खिलाफ संघर्ष करेंगे। तो तुम्हारे अंदर उठा बैठा तुमसे जा नहीं रहा, बोला तुमसे जा नहीं रहा है, 6 घंटे बाद तुम आईसीयू में रहोगे, एक पाइप यहां नाक से जाएगा, एक पाइप तुम्हारे मुंह में जाएगा, और कहे कल हम मैराथन दौड़ेंगे। पहले अपनी औकात देख लो, वो जमाने और वो जगह और थी जहां तुम जाके ये डायलॉग कादर खां के बोल के निकल जाते थे। यहां पर हम लोग बहुत आतिथ्य सत्कार वाले लोग हैं, हम लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, और एक दफा जो मेहमान नवाजी ले लेता हमारी ता जिंदगी साथ कुछ याद रखता है। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो, हम 3 तक गिनेंगे, उल्टे पांव निकल जाओ, नहीं बच्चू जब भी पुरवैया चलेगी घुटनों में दर्द होगा। बंदर घुड़की किसको दे रहे हैं आप? नहीं बंदर घुड़की आप किसको दे रहे हैं? एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी, लेकिन आप ये देखिए इनका सपोर्ट सिस्टम, इनका सपोर्ट सिस्टम कितना जबरदस्त। 10-15 आपने चरमपंथी पकड़े, हत्या के बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस, उस एविडेंस के साथ साथ आपने ये देखा कि सब कुछ रंगे हाथों पकड़े गए। फिर और तुर्रा ये एक आईपीएस अफसर एएसपी से ये जमानदराजी कर रहे हैं कि हम देख लेंगे, तुमको मालूम नहीं बच्चू कौन किसको देख लेगा, तुम हमें देखोगे हम तुम्हें देखेंगे। दिस इज नॉट योर कैंपस इन दिल्ली माय डियर सर, दिस इज नॉट योर कैंपस इन दिल्ली, यहां जो करोगे तुरंत दान महाकल्याण तुरंत प्रसाद मिलता है, यहां प्रसाद में विलंब नहीं होता है। अब आप ये देखिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, ये आपके आगे की 2-3 स्लाइड्स बताएंगी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस लेवल का स्ट्रक्चर होता है। बड़ा ही ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी की तरह होता है। हमने जब चरमपंथी पकड़े थे नक्सलाइट्स, तो उनके बाकायदा एमएस एक्सेल शीट के ऊपर किसको कितनी तनख्वाहें मिली, किसको कितना अलाउंस मिला, किसको कितनी छुट्टी मिली, इतना स्टैंडर्डाइज, इतना अच्छा तो हमारे सरकारी विभाग में नहीं होता था लेखा जोखा जितना चरमपंथियों का था। और वहां पर यह भी था किसी को रिश्वत दी है उसका भी हिसाब लिखते थे, विलेज चौकीदार को 10 रुपये रिश्वत दी, हेड कांस्टेबल को 20 रुपये रिश्वत दी, तो उसका भी हिसाब लिख करके अपने कमांडर को भेजते थे। तो ये था आपका स्ट्रक्चर पूरा, और उनका ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी ये देखा जाता था कि मंगोलाइड लोग इनकी मीटिंग में, जो स्टेट लेवल मीटिंग होती थी जिसमें यह शक होता था कि नेपाल से चाइनीज इंसर्जेंट्स और चाइनीज नक्सल इनकी गाइडेंस, क्योंकि जो इनका सैन्य फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स का जो गुण था वो बिल्कुल मालूम पड़ता था कि गोरिल्ला वॉरफेयर में ये पारंगत है, गोरिल्ला वॉरफेयर में, जंगल वॉरफेयर में बिल्कुल पारंगत। जिस तरीके के एम्बुश, जिस तरीके के इनके सेंट्री होते थे, आप जा रहे हैं जंगल में एकदम से आवाज आई जैसे चमगादड़ या किसी की कुकु, इसका मतलब सेंट्री ऊपर है
उसने अपने कार्डर को वार्न कर दिया और जब तक कि आप आगे जाएंगे आप घिर चुके हो। अब एक भी आवाज नहीं, कोई गोली नहीं, बस सिर्फ उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती। ये बड़े जो गंभीर घटनाएं हुई हैं चरमपंथियों को लेकर के, एक तो हत्या का प्रयास चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश नायडू जी का, ये जो हुआ था अक्टूबर 2003 में, कितने खूबसूरती से और कितने सिस्टमेटिकली इन्होंने लैंड माइंस लगाई थी, बिछाई थी, गाड़ी के परखचे उड़ गए और एक फेल हो जाए, दो फेल हो जाए, तीन, 18 लैंड माइंस बॉम्ब इन्होंने लगाए थे। एक सूरज भान था वहां बिहार में, अब तो सांसद है भाई, है? तो वो पीपल्स वॉर ग्रुप का बहुत बड़ा नेता, वो बाल्टी बम बनाता था। ये बाल्टी बम, बाल्टी के शेप में इसमें डायनामाइट भरता था और इलेक्ट्रॉनिकली इसको ब्लास्ट किया जाता था, इसको कहते हैं बाल्टी बम। इसमें देखें 17 सिक्योरिटी पर्सनल 21 मार्च को मारे गए। सुकमा में 22 सिपाही, 14 छत्तीसगढ़ पुलिसमैन और ये इतने मारे गए। ये एक दो नहीं, ये दर्जनों में हत्याकांड हुआ है। 5 सिक्योरिटी पर्सनल 23 मार्च को मारे गए। 3 अप्रैल को जब हमला हुआ था, और एक आपने सुना होगा कि इसमें कांग्रेस के कम 5 वरिष्ठ नेता, पुलिसकर्मी, उनके शैडो, सब नरसंहार हो गया था उनका। ये 26 नक्सल मारे गए 2021 में, जब वो रिटर्न किया गया संगठित होकर के, इनके ऊपर आक्रमण किया गया, तो 26 नक्सल मारे गए एनकाउंटर में। तो इसी तरह अब आता है सिलसिला, जब बीजेपी के नेताओं का हत्याकांड शुरू हुआ, ये हुआ है 4 जनवरी को 22 में, गुरचरण नायक फॉर्मर बीजेपी MLA, 26 में 4 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता नीलकंठ काकेम 5 फरवरी को मारे गए। ये डिप्टी चीफ ऑफ बीजेपी ऑफ नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट, इनकी हत्या हुई। इस तरीके से आपने देखा कि इनका एम, उद्देश्य होता है आतंक और भय पैदा कर देना, 6 इंच छोटा कर देना, उसी के खून से उसके ऊपर लिख करके लोगों को चेतावनी दे देना और उसी के खून से लिखवा करके घर वालों से हर जगह पोस्ट कर देना गांव में कि हम बहुत शर्मिंदा है कि हमने लोक अदालत नहीं, हमने जन अदालत नहीं चलने दी, हमने नेताजी का विरोध किया, हमने पुलिस की मुखबिरी की। और ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कि इसके कारण ये स्वयंभू कब होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और भौगोलिक। आर्थिक हमने देखा गरीबी, अत्यधिक गरीबी, गरीबी ऐसी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। सामाजिक, समाज के जो दुर्बल वर्ग होते हैं उनका शोषण। भौगोलिक की जहां कहीं सीमा हो, जैसे सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, आपने देखा होगा बॉर्डर एरिया सोनभद्र है तो बिहार के रोहतास से लगा, हर जगह बॉर्डर और ट्राइबल एरिया, नोट किया आपने। अब आप ये देखिए, आप समझिए, नक्सल बड़े गरीब बेचारे, ना इनने गरीब है ना बेचारे, इनकी धन की उगाही बताइए छत्तीसगढ़ में सालाना कितनी होती थी 2020-21 में, एक गेस कीजिए 2000 में छत्तीसगढ़ में नक्सलों की धन की उगाही वार्षिक कितनी होती होगी। आप IPS हो गए, आप रिटायर होंगे, मेरी तरह 3 गोली भी लगेगी आपको, आप बच गए फिर भी, आपकी हैसियत, मेरी तो 1 करोड़ थी, ये 3 गोली खाने के बाद आपकी 2.5 करोड़ हो जाएगी। आप IAS हो गए, आपकी 2.75 करोड़ हो जाएगी, इससे ज्यादा ISI से नहीं होगी आप, समझ गया, इज्जत अपार मिलेगी, इज्जत अपार मिलेगी। इनकी 2000 करोड़ की टर्नओवर थी एक स्टेट में नक्सलाइट की, 2000 करोड़। इसमें अचंभित होने की कोई बात नहीं, इसमें डकैती में और पाप कर्म में पैसा बहुत है। आपने तरन्नुम का नाम सुना होगा, सुना है, कौन थी तरन्नुम? अभी हमने तेलगी का नाम लिया था, अब याद आया कुछ? तेलगी को नाच गाने देखने का बड़ा शौक था, तो एक दिन उसने नाच किया तो तरन्नुम नाम की बार गर्ल, उसने बहुत अच्छा नाच किया, तो तेलगी भगवान जाने अश्लील नोट उठाए कि नकली, क्योंकि तो नोट ही छापता था, नोट 1 करोड़ के नोट तरन्नुम को कुछ घंटों में दे दिए। तो आप कह सकते हो डॉक्टर विक्रम सिंह, तुमसे अच्छी तो तरन्नुम ही है कि 1 रात में 1 करोड़ कमा लिया, और तुमसे बड़ा तो घामड़ कोई होगा नहीं कि 3 बार गोली खाए, पापड़ बेले, हड्डी गलाई, और तुम्हें तो मिला 1 करोड़।
इससे अच्छा कि हर रात का टर्नओवर कुछ, हाँ तरन्नुम बनने का चांस और मौका सबको है। भगवान न करे किसी को वो रास्ता देखना, भगवान न करे किसी को वो रास्ता देखना, क्योंकि तरन्नुम वही है जो उसके माँ बाप है उन्होंने भी कह दिया कि ये हमारी बेटी नहीं है, उसके भाई ने कहा ये मेरी बहन नहीं है। लेकिन वो हेड कांस्टेबल जो शहीद होता है उसकी चप्पल जो है मंदिर में भगवान के सीढ़ी के नीचे रखी जाती, वो भी पूजा जाता है। आपने जो रास्ता चयन किया है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप पान की दुकान लगा लीजिए यहाँ पे, आप चीफ सेक्रेटरी डीजी ज्यादा कमा लेंगे महीने, लेकिन आप उसके लिए यहाँ नहीं आए, आप आए हैं इज्जत समाज सेवा और माँ बाप का नाम रोशन करने। आप यहाँ अकेले थोड़ी बैठे हैं, आप यहाँ आए हैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करने। अपने माँ बाप के सपनों के साथ विश्वासघात न कीजिए। तरन्नुम बनने के अवसर सबको रोज मिलते हैं, भगवान न करे कोई उस तरफ देखेंगे। आर्थिक कारण के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो जमीन की होल्डिंग है वो बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। हमने किसी भी ऐसे कमजोर वर्ग के आदमी के पास नहीं, किसी पास 3 बीघे से ज्यादा जमीन हो, और बीपीएल से भी नीचे अगर कोई व्यवस्था हो सकती है कि अगर एक वृद्धा नहा रही है तो नहाती तब तक है जब तक उसका कपड़ा सूख न जाए, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई जोड़े का कपड़ा नहीं होता। गोबर से अनाज निकाल के सुखा के उसको कूट करके उसकी रोटी खाना, महुआ अपने बच्चे को खिलाना और बच्चे को ट्रक के आगे फेंक देना, ऐसी गरीबी सुना ही है, देखा कभी नहीं। लेकिन अब जो सीनेरियो बन रहा है, ज्योग्राफिकल जरा गौर कर लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल और आप देखेंगे कि बॉर्डर एरियाज जहां से भागने के चांसेस ज्यादा, यूपी में प्रेशर पड़ा तो बिहार, बिहार प्रेशर पड़ा तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्रेशर पड़ा तो वापस बिहार, बिहार में पड़ा तो यूपी, तो बॉर्डर का लाभ उठाना। लेकिन अब चूंकि एरियल रिकॉग्निशंस, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, सैटेलाइट इमेजरी भी आ गई है, तो जहां कहीं इस तरीके की गतिविधियां होती हैं तो नियंत्रण बहुत अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो सकता है और हुआ है। इंडिया रिजर्व बटालियन, वो पीएसी की, आरएएफ की बटालियन इन एरियाज में खोली गई है, और ये खास कर यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को ही और बच्चियों को प्राथमिकता मिलेगी भर्ती के लिए। तो वो बच्चे जाते हैं तो बेरोजगारी दूर होती है, और अगर एक घर में एक बच्चा बच्ची हो जाता है तो मान के चलिए कि उसके कम से कम उस कुटुंब की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ये वही जो हम कह रहे थे पॉइंट नंबर 2, देखिए विजिट्स एंड इंस्पेक्शंस बाय सीनियर ऑफिसर्स, विजिट्स एंड इंस्पेक्शन बाय सीनियर ऑफिसर्स, जिससे कि वहां जाके देखें कि वहां के हालात क्या है, भ्रष्टाचार तो नहीं है, शोषण तो नहीं हो रहा है, और वो बड़ी आसानी से आप अपने सूत्रों के जरिए पता लगा सकते हैं। अब बहुत अच्छा इंतजाम आजकल के बच्चे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, क्योंकि अब मोबाइल टावर भी आ गए हैं। अब किसी गांव में, हर गांव में 50-50 लोगों के समूह, जिसमें वृद्ध, अधेड़, युवा, महिला, बच्चे, सबका समूह है। कहीं कोई प्रशासनिक चूक, चरमराहट या कहीं कोई अगर फॉल्ट लाइन दिखती है तो वो तुरंत पता लग जाता है पुलिस कमिश्नर को, कमिश्नर को, डीएम और एसएसपी। लैंड ओनरशिप, जो कुंवर साहब ने जमीन हथियार ली थी अब उनको वापस की जाएगी, वही लोक अदालत लगा करके, जन अदालत लगा करके, उनकी नक्सलियों वाली नहीं, अधिकारियों वाली, वहीं पे सुनवाई, समरी ट्रायल, आप अपने मालिकाना हक दीजिए, आप अपने मालिकाना हक दीजिए, और जो मालिकाना हक जिसका है उसकी जमीन हाथ के हाथ। अब बनारस, प्रयागराज और दिल्ली जाने का अब कोई औचित्य नहीं, न जरूरत है। एक्सप्लॉयटेशन बाय लोकल नहीं, एक हमने मिसाल दी थी, नाम लेना ठीक नहीं होता है, जो लोग वहां के हैं वो जानते होंगे, कुछ नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। तो हमारे नाम के 2-3 जमींदार हैं वहां, उनकी यही छवि है, जैसे फिल्मों में देखा कि हर जो विलेन होता है फिल्म में हमारे नाम राशि का ज्यादा होता है। तो इस तरीके के जो जमींदार वहां पर थे, लोगों को पैसा ले लेना, 25 सैकड़े उधार देना, जमीनें कब्जा कर लेना, पशु हकवा लेना, इनके 3 फेज होते हैं। किसी भी जगह पे जहां पे ये अपना अड्डा जमाते हैं बच्चों, पहला इनका पर्सपेक्टिव होता है 5 साल, 10 साल और 10 साल।
पहले तो होता है फॉर्मेटिव, 5 साल में तो इंट्रोडक्शन, जैसे चाय जब पिलाना शुरू किया तो पहले फ्री, जब लत लग गई तो 10 साल तक उसका प्रचार प्रसार, और 10 साल बाद आपकी जेब में हाथ डाल करके पैसा निकाल, तो 25 साल का पर्सपेक्टिव। अभी तो हमने जो बात की है रूरल नक्सल्स की, और लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देना कि जो संवैधानिक चीजें हैं, संवैधानिक चीजें हैं न्यायालय, थाना, तहसील, शासन प्रशासन, ये बिल्कुल अपंग, निष्क्रिय, निष्प्रभावी है, हम तुम्हें त्वरित न्याय देंगे। और उनकी बातों को बल कैसे मिलता है? बल ऐसे मिलता है जब इस तरीके का मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है, जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा तो लोगों को बात भ्रम में आ जाएगी। और इस भ्रम को फैलाने में आप लोगों ने बच्चों सुना होगा एक टर्म है अर्बन नक्सलाइट्स। अब गांव का आदमी है वो ठीक, अब मैं हूं डीजीपी से रिटायर हुआ हूं, चांसलर हूं यूनिवर्सिटी में, आपके पास पूरी तरह, लेकिन जब मैं बात करूंगा इस देश के गरीब और हर तरीके से सरकार को गालियां दूंगा, आंदोलन प्रदर्शन दूंगा, उसकी फाइनेंसिंग करूंगा, विदेशों से फंडिंग मंगाऊंगा, और यहां पे इस तरीके के हालात में पैदा कर दूंगा सामाजिक और एक तरीके की कटुता और वैमनस्य देश के अंदर, जात संप्रदाय और उस चीज को लेकर के, उनको हम कहते हैं अर्बन नक्सलाइट्स। ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अभी तक 2000 तक आपने देखा था कि नक्सल समस्या केवल वहां तक थी, आपके गांव देहात तक, लेकिन अब अगर जेएनयू कैंपस में आ गई है, अब अगर आपके दिल्ली, मुंबई, पुणे, यहाँ के जो लोग साधन संपन्न लोग हैं वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अभी एक और रिटायर्ड आईजी साहब जेल की हवा खा रहे हैं, उनको भी बुढ़ापे में ये शौक चल रहा है, मुझसे भी 2 साल बड़े हैं, कि जरा हम भी चल करके झंडा बुलंद करें, वो ये भूल गए थे, अब वो जमाने चले गए जब खलील खां फाकते उड़ाते। अब आपने जो झंडा उठाया तो उसके दुष्परिणाम भी होंगे, क्योंकि आपके आरोप निराधार थे, बेबुनियाद थे, झूठ थे, पुलिस ने कार्रवाई की। अब अर्बन नक्सलाइट जितने थे लामबंद हो गए, और उन्होंने कहा देखिए बेचारे 75 साल के बेचारे, उनसे हिला डुला नहीं जा रहा है बेचारे, उनको एक एक मुट्ठी दवा खानी पड़ती थी, अरे एक एक मुट्ठी दवा खानी पड़ती थी, बेचारे लाचार थे तो झंडा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के चले गए थे मुंह उठाने के लिए, घर में बैठते कंबल ओढ़ करके टीवी का ओटीटी फिल्म देखते दिन भर, अब क्या जरूरत है जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की? उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद के चले गए जेल, अब उनके बचाव में 50 और, उनको बताना पड़ा कि अभी तो बड़े साहब गए हैं, आप लोग भी अब यहीं रहिए, क्योंकि फिर ये जो घर में एयर कंडीशनर और फ्रिज से नाना प्रकार के पेय पदार्थ जो आप लोग लेने के आदि है ना, ये सब वहां कुछ मिलेगा नहीं, वहां जब मोटी रोटी जो चूहा भी नहीं खाएगा, कुत्ता भी नहीं खाएगा, वो दिया जाएगा तामचीनी के बर्तन में और बैगन का भरता, सुबह रोटी बैगन का भरता, शाम को बैगन की सालन और रोटी, अगले दिन बैगन का फिर जो है सालन, और शाम को फिर जो सबसे सस्ती सब्जी होती है जो सड़ने की कगार पे होती है वो मंगा के, एक दिन उसका सालन बनेगा, एक दिन उसका भरता बनेगा, फिर अगले दिन फिर वही रिपीट करके। तो आप लोग जो आदि हैं सुख सुविधा के, उसका आनंद लीजिए, और ये जो इमेजिनरी चीजें आप करने की कोशिश कर रहे हैं अर्बन नक्सलाइट्स महोदय, एक वो थे पादरी जो मर गए अब तो जेल में, नाम नहीं याद आ रहा है, अर्बन नक्सल में जिनको जेल भेजा था पुणे से या मुंबई से, उनका बेचारे, उन्होंने एक स्ट्रॉ मांगा था, क्योंकि उनके हाथ अल्जाइमर से कांपते थे, वो ऐसा नाटकीयता का पुट डाल के देंगे जैसे उन्हीं को अल्जाइमर हो गया है, हाथ कांप रहे हैं, अरे भाई हाथ कांप रहे, तुमसे स्ट्रॉ नहीं, तो काहे को आंदोलन जुलूस कर रहे हो भाई, घर बैठो अपने। लेकिन वही जनता की एक हमदर्दी लेने के लिए अल्जाइमर है, हाथ कांप रहा है, और उनको बेचारे को जेलर ने उनको वो जो है स्ट्रॉ नहीं दिया, ये नाटकीयता का पुट अपने घर में रखिए, मढ़वा के टांगिए काम आए, पिक्चरों में जाइए, यहां कोई पसीजने वाला नहीं है, जहर के बुझे हुए तीर हैं, धतूरे के बीज हैं ये सब। ये डेवलपमेंट की बात हम लोगों ने देख ली है बच्चों, और इनका साहित्य है ऐसा, आप डकैतों का, मवालियों का गिरोह नहीं देखा, जिनकी अपनी मैगजीन, वेबसाइट,
इनकी दफ्तर सब कुछ इनकी पब्लिकेशंस है। भवानीपुर तुम जब देखोगे गूगल में तो उसमें तुमको मेरा नाम भी मिलेगा। अब हम लोगों का प्रस्तुतिकरण समाप्त हो गया है, अब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। ये 7:38 हो रहा है, 7:38 थोड़ा सा लेट हो रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट तुमने देखा होगा, तेंदुलकर जब एक अच्छी शॉट मारता था तो अपने आप से बात करता था, और जो खराब शॉट मारता था तो भी कुछ अपने से बात करता था। तो मुझे मौका मिलता था, मुझे आप क्या कहते थे, मैं अपने को सुधारता था, अपने को सुधारता था बार बार, 3 बार मैं कहता था अपने, इस शॉट को अगर हमने ऐसे किया होता तो ये शॉट लंबी जाती और मैं कैच आउट नहीं। एक चीज मैं फिर एक फॉर्मूला दे रहा हूं, मेरे पीछे आप लोग रिपीट करेंगे और इसको कंठस्थ नहीं करेंगे, हृदयस्थ करेंगे। मैं भी जब गोली चलाने जाता था तो इसको 3 बार पढ़ के जाता था, और उससे ये होता था कि आपका आत्मविश्वास डेवलप होता था। फोकस प्लस डेली इंप्रूवमेंट प्लस टाइम इज इक्वल टू अ जीनियस। हम फिर रिपीट करेंगे इसको, फोकस प्लस डेली इंप्रूवमेंट प्लस टाइम इज इक्वल टू अ जीनियस। अब मैं बताता हूं आपको, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। 14 घंटे आप रोज इस तैयारी को दे दीजिए, तो जिस लड़के के 60 में 3 नंबर आए थे और जो क्लास में फर्स्ट नहीं आया वो आईपीएस में अगर फर्स्ट आ सकता है, आप सब फर्स्ट आ सकते हैं। क्वालिफाई करना तो बड़ी मुश्किल थी, लेकिन जैसे अर्जुन ने अज्ञातवास किया था, पांडवों ने अज्ञातवास किया था, इन 12 महीने में कोई शादी ब्याह मुंडन मॉल नई पिक्चर पुरानी पिक्चर ये फैशन शो वो फैशन शो ये अदारी वो मदारी सब भूल जाइए। अब एक चीज आपकी पुस्तक और आप, आपके असली दोस्त कितने हैं, आपके कितने हैं बेटा? असल में दोस्त है ही नहीं ये सब, कोई 1 लीटर खून पिएगा कोई 5 लीटर खून पिएगा, इतना ही फर्क है दोस्त नाम की चीज से। मैं रोज लगभग जब पुलिस में था रोज 500 लोगों से मिलता था, बड़ा जबरदस्त सामाजिक सर्कल है, लेकिन मेरे जो मित्र हैं वो 4 या 5 होंगे, मेरी पत्नी मेरे 2 बच्चे मेरे माता पिता की स्मृति, इसके अलावा मेरा कोई मित्र ना, मैं कहीं जाता हूं ना मैं किसी को आने देता। तो भाई साहब आज क्या कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा? बिल्कुल ना आया, बिल्कुल आने का कष्ट ना करें। तो नहीं आप अकेले हैं, भाभी जी नहीं है, उनका तो मैं और आनंद में हूं, आप आकर के आप जो असंग हो अभंग, एकांत का अपना ही आनंद है एकांत का। लोग तन्हाई के एहसास से घबरा जाते हैं, वरना तन्हाई ऐसी कोई महफिल नहीं है। बारह घंटे अपने आप को दे दो, फिर ये जो डेटिंग एप्स वगैरह जो वादा करते हैं वो बोनस के साथ तुम्हें मिलेगा। कोई जरूरत नहीं कहीं भागने की, एक दफा तुमने एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया जो कि करोगे, मुझे तो ऐसा मौका मिला नहीं था कि यहां करके मुखर्जी नगर में पढ़ूंगा, मुझे तो मौका मिला नहीं था। तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे वालदैन ने पेट काट के तुमको भेजा है, ये मत समझो उनके पास इफरात का पैसा है, हमारे किसी वालदैन के पास इफरात का पैसा नहीं है, अपनी जरूरतों को कम करके पेट काट के तुम लोगों को यहां भेजा है। डू जस्टिस टू दैट, बी ट्रू टू दैट। उनकी उम्मीदें उनकी दुआएं तुम्हारे साथ बैठी हैं, और मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं दिखा जो नॉन सीरियस हो, हर बच्चा बच्ची सीरियस माइंडेड है, हर बच्चा बच्ची गॉड फियरिंग है। तो विनर के जितने लक्षण होते हैं हर बच्चे में, वरना कहीं मैं देखता हूं बात मैं कर रहा हूं तुम फोन पे जवाब नहीं, मेल चेक कर रहे हो, पता नहीं तो यूट्यूब में कौन सी सीनरी देख रहे हो, लेकिन किसी बच्चे ने कोई मोबाइल फोन चेक नहीं किया, किसी बच्चे ने कोई फोन की घंटी नहीं बजी। ये बहुत बड़ी चीज है, ये मामूली चीज नहीं है, इसको मैं बड़े बड़े ऑफिसर्स की जो 5-5 लाख 7-7 लाख महीने कमाने वाले लोगों की जाता हूं वो भी पता नहीं क्या समझते हैं घंटे भर तक। हमने कहा आपने मुझे
हवाई जहाज से बिजनेस क्लास से बुलाया है, फाइव स्टार में रुका है, जरा मेरी बातें कुछ सुन लीजिए। लेकिन यहाँ किसी बच्चे ने अटेंशन फ्लैग नहीं हुआ, जबकि मैं वहां कहीं जाता हूँ तो 40 मिनट के लिए जाता हूँ, यहाँ इतनी देर से बैठा हूँ। और लड़कों को मैं एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद मैं चल दूंगा, फिर तुम्हारे कोई सवाल हो मैं तुमसे पूछूं, कोई सवाल हो सोचो, जब तक मैं तुम्हें एक लतीफा सुनाता। ये जो डिस्ट्रैक्शन है स्क्रीन टाइम का, एक गांव में एक मेला लगा, मेला लगा वहां पर नया नया कंप्यूटर लगा, और चार बच्चे गए वहां पे, उनका था 100 रुपए में आपको चांस मिलेगा, और चांस मिलेगा कि आप कंप्यूटर पे प्ले करें, और अगर आपने सही जवाब दिए तो आपको 10,000 रुपए इनाम भी मिलेगा, लेकिन जवाब सही देना पड़ेगा। जैसे चार बच्चे हो तुम लोग, सबक ले लो, आपको कैसी पत्नी चाहिए, गोरी या काली, उनका गोरी, अंग्रेजी बोलने वाली या नहीं बोलने वाली, अंग्रेजी बोलने वाली, खाना बनाने वाली, खाना नहीं बनाने, खाना बनाने वाली, खाना अंग्रेजी चाइनीज या भारतीय, तो अंग्रेजी चाइनीज। अच्छा, जवाब अच्छे चल रहे थे, बहुत अच्छे सवाल। अगला सवाल, काम करने वाली काम नहीं करने वाली, काम करने वाली, बहुत अच्छा जवाब। उसके बाद दहेज लाने वाली या दहेज न लाने वाली, दहेज लाने वाली। अब उसके बाद का आखिरी सवाल, आप सब बड़ी देर से दूसरों के बारे में निर्णय कर रहे हैं, जाके बाहर अपनी शक्ल देखे शीशे पर जाता है, ये हर उस बच्चे का आदमी का हाल है जो दिन भर भकुए की तरह मोबाइल में यूं 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 आंखें फाड़ के, आंख में दवा डाल डाल करके यूं यूं देख रहा। अरे वहां कुछ है ही नहीं, तुम्हारी जेब को हल्का कर दिया 500 रुपए, तुम्हारा खून पी लिया, तुम्हारे 4 घंटे बेइज्जत और किया तुम लोगों, वो सबका वही हाल होता है जो इस तरीके से आहा आहा कुछ नहीं होने, कभी उनको भी नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला, किसी को न मिलेगा। इसलिए अपना कल्याण खुद है, तुम्हारी किताबें और तुम, ठीक। अच्छा, अब बच्चों कोई सवाल हो तो बताओ, एनी क्वेश्चंस, हाँ बताओ, नाम बताओ पहले अपना, सचिन कुमार, हाँ ठीक है बताओ बेटा, देखो ये तुम्हारी रेपुटेशन पहले बन जाती है, पहले बन जाती है, और ऐसे डिलीवर दिन में 3 बार आते हैं कानूनी, लेकिन जैसे एक मंत्री जी हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मंत्री जी यहां कहते हैं ये शाम तक अगर नहीं हुआ तो आप यहां DIG नहीं रहेंगे, तुम बैठ जाओ, उनका तुम्हें DIG शाम तक क्यों, मैं अभी ही नहीं रहता, शाम तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन गलत काम मंत्री जी करना तो छोड़ दे, मैं देखता भी नहीं, मैं करता छोड़ दे, मैं देखता भी नहीं। और बताइए, DIG की पोस्ट बहुत छोटी होती है, DIG की पोस्ट बहुत छोटी होती है, क्योंकि मरने के बाद मुझे अपने माँ बाप के सामने जाना है, उनका बेटा इसीलिए पैदा किया था तुम, कि तुम जा करके डकैतों की मदद करो। डिलीवर आते हैं, एक साहब और थे, मैं DG था, उनका यह तो आप कर दे, वरना हम CM के यहाँ जाते हैं, तो CM के ऐसा करते हैं, मंत्री जी साथ ही चलते हैं, फैसला ले ही लिया जाए, साथ ही चलते हैं, तो समझ गए कि ये रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है आज। डिलीवर आते हैं आपसे पूछे, यही आपका है, मैं DG रहा, जात पात में मेरा कोई विश्वास नहीं, मेरा कोई विश्वास नहीं, क्षत्रिय कुल में जात में मेरा जन्म हुआ है, मुझे नहीं मालूम शराब का टेस्ट कैसा होता है, खट्टी होती है, मीठी होती है, कड़वी होती है, और न मैं जानना चाहूं, सिगरेट कभी चखा नहीं, पान मसाला कभी चखा नहीं, तो ये जब ठसक रहती है, और नाच गाने का मेरा कोई शौक नहीं है, इसलिए अगर कहीं शादी में नाच गाना हो तो कृपा करके मुझे बुलाने का कष्ट कीजिएगा, नहीं फिर वही आपकी महफिल बदरंग हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें योद्धाओं के लिए नहीं बनी है, शराब पान मसाला गुटखा सिगरेट नाच गाना आपके लिए नहीं बना है, IPS IAS में आने के पहले भी और जिंदगी के आखिरी दौर तक योद्धाओं के लिए कुछ चीजें नहीं बनी, आपके लिए हथियार बने हैं, 315 वो राइफल बनी है, रिपब्लिक स्कॉट रिवॉल्वर बनी है, 156 बनी है, उसका शौक पूरा कीजिए, कसरत कीजिए, जिम में जाइए, पसीना बहाइए, लोहे के सरिया मोड़ करके सीधा कर दीजिए, ये सब चीजें आपके लिए हैं। शराब, अच्छा जब एक दफा आप देख देते हैं, साहब हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, जब मंत्री जी ने देखा कि चाटुकारता से
उनका मैं काबिल इज्जत हूं, इसीलिए आप इज्जत करते हैं। मैं हूं ही काबिल इज्जत, मैं आपकी तरह दाएं बाएं नहीं देखता। आपकी रेपुटेशन बहुत खराब है चरित्र के बारे में। ऐसे कौन बोल सकता है जिसको कोई लोभ लालच ना हो कि मुझे कुछ प्राप्त करना है तुमसे। दरअसल वास्तविकता यह कि मुझे किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना। जो तनख्वाह का चेक है राष्ट्रपति के यहां से आता है वो तुम छीन नहीं सकते हो। डीजीपी नहीं रहूंगा तो डीजी होमगार्ड रहूंगा, डीजी होमगार्ड नहीं रहूंगा तो डीजी विदाउट पोर्टफोलियो रहूंगा, रहूंगा डीजीपी ही। लेकिन मैं अपने ईमान का सौदा करके आपको ओबलाइज नहीं कर पाऊं। उत्तर संतोषजनक जी, आगे आइए जी, आगे आइए। जी गुड इवनिंग अनुराग वत्स, अनुराग रंजन वत्स जी। आप ये बताएं जिसने 56 एनकाउंटर की उसमें तो फिल्म बन गई। मैं सिर्फ फील्ड में रहा हूं, मैंने कितने एनकाउंटर किए गेस कीजिए आप लोग। और ऊपर आओ, और ऊपर आओ, और ऊपर आओ। अब कुछ लाइन पे आ रहे, एनकाउंटर कानून की परिधि में अगर हो, 1896 से लेके 104 इंडियन पीनल कोड, अपनी या किसी और के बचाव में न्यूनतम बल प्रयोग किया जाए, ठीक है। उसका एक जुमला है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके गिरफ्तार किया, समझ रहे हो ना। गिरफ्तार करने आप मुझे आ रहे हैं और मैं नहीं गया, मैंने आप चढ़ बैठा, तो आप न्यूनतम बल, मुनासिब चोट, गैर मुनासिब नहीं कि मार मार के मेरा हलवा मुलम्मा निकाल दे, मुनासिब चोट। लेकिन वो मुनासिब, आपका मुनासिब अलग है, मेरा मुनासिब अलग है। आपका मुनासिब ये होगा कि आपने हाथ पकड़ लिया, मेरा मुनासिब वो 10-10 ग्राम के टुकड़े करके जब तक हड्डी बाहर ना आ जाए तब तक वो मुनासिब चोट। बुलडोजर भी तो कानून की परिधि में चलता है। अगर आपने मकान का नक्शा पास किया 3 कमरे का, बना लिए 9 कमरे, तो बाकी 6 कमरे तो नाजायज है। अब दशकों तक किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक दिन जब जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ, आपकी फोटो आ गई, आपकी फोटो जब आ गई तो AI ने बताया कि इनका यहाँ मकान है। तो मकान का नक्शा निकाला गया, नक्शा निकालने के बाद देखा कि आपके 3 कमरे जायज, 6 कमरे नाजायज। तो जो नाजायज कमरे हैं वो, अगर आप कहाँ के रहने वाले, पटने के, सुल्तानपुर, UP सुल्तानपुर में, तो सुल्तानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये पूरा अख्तियार है, पुलिस को नहीं, पुलिस बुलडोजर नहीं चलवा सकती। लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी पर शासन प्रशासन एक रूप के काम करता है। डेवलपमेंट कहा गया कि आपने 6 कमरे नाजायज बनाए, वो 6 कमरे प्रदर्शन किया। आप ये देखिए, हर एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, हर एनकाउंटर की जुडिशियल स्क्रूटनी होती है। अगर कोई गलती पुलिस वाला करेगा तो पुलिस वाले जेल गए हैं और जेल जाना भी चाहिए। अगर कोई नाजायज काम करता, पुलिस है जनता की हिफाजत के लिए, क्योंकि हथियार दीजिए तो आप जिसपे चाहे मनमानी भूल जाए, ये संभव नहीं है। और अगर कोई फर्जी इनकाउंटर होता है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। नाजायज बुलडोजर चलेगा, मनमाने तो कोई जनरल डायर का जमाना थोड़ी है ये। अगर नाजायज कमरे बने हैं, जब तक गाड़ी चल रही है तब तक तो चलेगी बेटा। लेकिन हम नाजायज कमरा भी बनाए, बाद में सरकार को जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करें, तो सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर सरकार फिर माइक्रोस्कोप लगा के देखती है कि कहां कहां क्या क्या आपने किया है। फिर उस जन्म कुंडली में कोई भी चीज अगर पकड़ में आती है तो सरकार कार्रवाई करती है। अगर आपने नाजायज कुछ किया है, बुलडोजर चलना चाहिए। प्रतिशोध की भावना से न एनकाउंटर, प्रतिशोध की भावना से न बुलडोजर, प्रतिशोध की भावना से अरेस्ट भी नहीं होनी चाहिए। हमारे आपके 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रतिशोध की भावना पे कोई काम नहीं होना चाहिए। ये इस विषय पे हम अलग बात करेंगे। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीडियंसी, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीडियंसी कि लॉन्ग टर्म में हमने देखा कि हमको ये पूरा करना है। महाभारत से ज्यादा पवित्र युद्ध को उठा रहे हैं, धर्मराज से ज्यादा पवित्र को उठा रहे, अश्वत्थामा हतो नरोबापी, हमने देख लिया कि ये आदमी जो है इसकी आंख में सुअर का बाल है, ये कभी भी ये हमारे लिए एक मुसीबत बन सकता है।
तो जायज तरीके से एक्सपेडाइट करके आपको, आपने जो संकेत दिया है समझ रहा, हमने नाजायज देखा, रात को दफ्तर खुलवाया, रात को 10 बजे हमने टाइप कराया नोटिस, रात के 11 बजे आपको सर्विस कराई और सुबह 6 बजे हमने डिमोलिश कर दिया। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, मैं मानता हूं उस चीज को, ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास बुलडोजर है, कानून है, हम फिर कर सकते हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करके आप सब यहां पर आए हैं। ऐसा मैं फिर कह रहा हूं, गलत काम करना छोड़ दीजिए, हम उस तरफ देखते भी नहीं। कानूनी प्रक्रिया पूरा कीजिए, फिर जरूर चलाइए बुलडोजर, प्रतिशोध की भावना से नहीं। ठीक, आखिरी दो क्वेश्चन आ जाए, इधर आ जाए, आप भी आ जाइए, अगर पहुंच जाएगी आवाज तो मेरी भी पहुंच जाएगी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं चीखू, ये शराफत का दौर है। हाँ, हाँ, यहाँ आओ, चलो आओ। हाँ, चलो तुम्हारा सवाल आ गया, धैर्य कैसे हो, धैर्य क्या चीज होती है। ठीक, समझ गया आप, चलो समझ गया। हाँ, अब पहले चारों सवाल का दे दो, अब सवाल खत्म, अब पांचवा सवाल नहीं होगा बच्चों, अब चार सवाल हो गए, इसलिए बच्चा धैर्य पेशेंस। ठीक है, पेशेंस का मतलब ये होता है आप अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आज ही आपका कैलिबर आईएएस प्रॉपर का हो जाए, नहीं होगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सगड़े रित आवे पर, जब आपको परिपक्व होकर के आप पुष्पित पल्लवित होना होगा, उसके पीछे अभिसिंचन माता पिता का, गुरुजनों का, आपका पुरुषार्थ, उसको कहते हैं धैर्य। लेकिन आपको अगर अपना करिकुलम पूरा करना है तो आप कहेंगे धीरे धीरे हम करेंगे, धैर्य से करेंगे, वो नहीं होता। स्वाध्याय में, पठन पाठन में धैर्य नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस लिहाज से तो धैर्य जहां करना वहां धैर्य कीजिए, लेकिन जहां धैर्य नहीं, शरीर सौष्ठव, अपने खान पान, और अपने खान पान के जो थाली में है वो आप होने वाले हैं, तो आपके सामने चयन है, या तो जाके कचौड़ी और चाट खाइए तो बुद्धि आपका आईक्यू 25 पॉइंट नीचे आ जाए, 25 पॉइंट, और यहां आधे आधे पॉइंट पे 100-100 पोजीशन ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए अभी सात्विक आहार, वो आहार जो आपके शरीर मन मस्तिष्क को बिल्कुल धार ला करके दे, इस बात का उसमें धैर्य रखिए। आपका सवाल था आईएएस आईपीएस अपरिपक्वता, मैं हमेशा फील्ड में रहा हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आज भी मेरे सगे भाई से अच्छे हैं, और पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे है, और जिन लोगों के संबंध अच्छे नहीं है वो न केवल नालायक एसएसपी डीएम है, वो नालायक पुत्र भी है, नालायक पति भी है, नालायक भाई भी है। इतना अहंकार की क्या बात, आप वहां मैक्सिमम 3 साल के लिए गए हैं डीएम या एसएसपी होके, वहां पर आपका काम है शासन प्रशासन कानून से चलाए, वहां पर अहंकार की बात कहां आती है? अब अहंकार की बात क्यों आती है, आपने गाड़ी में आप बाएं बैठ गए, हमको ड्राइवर के पीछे बैठा दिया, आपने कुर्सी के सामने बैठा दिया, हमको अपने बगल में, इस पचकानी बातें हैं। उसमें व्यवधान आएगा, उसमें व्यवधान आएगा, जब घर में माता पिता में ही मतैक नहीं होगा तो बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, वही जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जब डीएमएसपी भी एक नहीं है यहाँ पे तो लोगों की बन आती, तब फोटे सिक्कों की बन आती है ऐसे वातावरण। हमारी सरकार करिए डीएम को अलग पोस्ट करती है, एसएसपी को अलग पोस्ट करती है, और एडवर्स एंट्री दे देती है कि ये इस योग्य नहीं कि इनको जिले में पोस्ट किया जाए, ये नियम भी कहता है। ठीक, आप बताओ बेटा, नक्सल में गरीबों को लेकर के, देखिए जो करेगा सो भरेगा, गरीबी से पूरा हमदर्द है, लेकिन हर गरीब नक्सलों की मददगार नहीं होता है, और जिसने मदद किया है और प्रमाणित हो रहा है तो उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे यूएपीए में भी और रासुका के अंतर्गत।
लोग पर माने, सुन नहीं पाए फिर से बताओ, नरसंहार क्यों करते हैं? हाँ नरसंहार करते हैं, अगर हमने मान लो हम आए और हम आपको कजरी सुना के चले गए तो आप करेंगे हमसे? हम कहते हैं दो कौड़ी का है आगे कजरी सुनाता, ये तो बिला दांत का शेर है, तो कुछ करता ही नहीं। हाँ जाकर के 20 आदमी की गला काट के सर टांग दिए तो हमारा आतंक होगा, हम कहेंगे ले 10 लाख रुपए कर लो, 20 लाख लो, लेकिन यहां बताना है और आतंक पैदा करने के लिए। ठीक आप बताओ, एक नया एक्सपेरिमेंट वेस्ट में भी चला है, इसको कहते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग, और इसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा कभी मौका लगेगा, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल पुलिसिंग ही के जरिए हम जनता तक पहुंचे, एक कम्युनिटी पुलिसिंग भी होती है। पहले रुक जाओ, हाँ तो पब्लिक पुलिस का जो इंटरफेस होता है कम्युनिटी पुलिसिंग, उसमें जनता के बुजुर्ग, महिला और छात्र, इनका एक समूह बनाया जाता है जो सबकी समस्याएं ला करके पुलिस को, प्रशासन को अवगत कराता है, उसका निराकरण होता है। और कम्युनिटी पुलिसिंग कभी मौका रहा जापान में ये बड़ा कामयाब है, इसको कहते हैं कोबान, और कोबान के जरिए पुलिस का, यहाँ तो थाने को जाता ही नहीं, हमारे दहशत के जाएंगे तो मालूम पड़े पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ, इसीलिए कम्युनिटी पुलिसिंग में जनता का इंटरफेस रहता है। ठीक है बेटा, हाँ सक्सेस स्टोरीज एंड वाई, अब टाइम कम है लेकिन मैं तुम्हें बताता, रुको 8:08 बज रहा है तुम्हें बताता हूं, एक मिनट तुम बताओ बेटा। एक्सपीरियंस नहीं उसमें परिपक्वता, लॉ ये कहता है कि डीएम इज योर सीनियर कलीग, ही इज नॉट योर बॉस, ही इज अ सीनियर कलीग, कलीग है लेकिन बड़े भाई की तरह, तो बड़े भाई की इज्जत करनी पड़ेगी ना। और एसपी समझता कि नहीं, हेलो बॉस हाउ आर यू, चलो आओ चलते हैं, चलो गुरु आज चल के शिकार खेलते हैं, ये सब बड़े भाई के साथ थोड़ा डिस्टेंस भी, थोड़ी इज्जत दे और आप फिर देखें, हमें आज तक दिक्कत नहीं हुई, जिंदगी भर में फील्ड में रहा, और जिनको दिक्कत हुई मैं समझता हूँ उनको अपनी साइकोथेरेपी, और लॉ में ये नियम भी है अगर आपकी नहीं पटी तो दोनों सजा पाते हैं, दोनों की एडवर्स एंट्री पा जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ बात थोड़ी पुरानी है, एक डीजी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर थाने में प्याऊ लगा दिए, प्याऊ जानते हो घड़ा पानी पीने का लगा दें, जिससे कि प्यासे आए तो उनको पानी थाने में मिल जाए। सबने कहा जैसे हमारे बड़ा सामंती व्यवस्था, डीजी जो कह दे वो तो, अरे साहब कितना अच्छा आइडिया आपने दिया है, लगना चाहिए, क्योंकि विक्रम सिंह आप इतने अनुभवी अधिकारी, हमने कहा थाने में जब आदमी प्यासों मर जाएगा थाने में कम से कम पानी पीने तो नहीं आए, तो उनका ऐसा करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक प्रोजेक्ट लगाते हैं और 100 थानों में प्याऊ लगाते, देखे कौन आता है। तो 100 थाने में लगा दिए गए प्याऊ, 15 दिन बाद पूछा गया कोई पानी पीने आया, ऐसा कोई नहीं आया। अरे यहाँ तो तुमने कभी भुतहा थाना सुना है? थाने में तो भूत भी नहीं आते हैं तो पानी प्यासा क्यों आएगा? ये आखिरी सवाल है, औद्योगिक क्रांति, ये किसने दिया पर्चा? एक मिनट पहले इसमें पढ़ो बेटा क्या लिखा है इसमें, औद्योगिक है, देखो तुम्हारे 5 सबसे अच्छे मित्र कौन है तुम हमें बता दो, तुम 5 कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे हो हमें बता दो, मैं बता दूंगा 5 साल बाद तुम कहां रहोगे। अगर तुम पढ़ रहे हो रामचरितमानस, भगवत गीता, होली कुरान, और तुम पढ़ रहे हो तुलसीदास, तुम पढ़ रहे हो शेक्सपियर, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। लेकिन अगर पढ़ रहे हो दिल जले की आह, कब्रिस्तान का चौकीदार, तो भी बता दूंगा तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, बता उसे प्रकाश डाले। तो बौद्धिक विकास होता है सत साहित्य और अच्छे मित्रों से, मित्र मंडली से, वाद विवाद से, अच्छी, तो अपने मित्रों का चयन सोच समझ के करो, किताबें पढ़ो, किताबें कम से कम 20 मिनट कोई अच्छी किताब जरूर पढ़ा करो, तुम लोग तो आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, एक अच्छी किताब 20 मिनट पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको पढ़ो। चलो भाई आखिरी सवाल है, घबराओ नहीं, मित्रवत, इसको देखो हम बता दे, 1861 में
पुलिस एक्ट बना था और वो बना ही था सामंती, अंग्रेजों को उन्होंने राइफल पे छोड़ दो उन्होंने डंडा भी नहीं दिया, और हमारे यहाँ अपनी फौज का हथियार दे दिया पुलिस को और व्यवस्था ऐसी कर दी कि जनता को जितना चूसता रहेगा उतना ही उसका लाभ होगा, ठीक है ना। और थानाध्यक्ष और थाने पुलिस के ऊपर काका हाथरसी ने बहुत कुछ लिखा, कभी पड़ा पड़ा क्या कर रहा है रे मूर्ख नादान, तर्पण रख सामने निज स्वरूप पहचान। तो उसके बाद थानेदार की, तो वो तो छोड़ो, अब छवि अगर सुधारनी है तो जैसा इस बच्चे ने पूछा था, कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस होने चाहिए मानवाधिकार के हनन का, थर्ड डिग्री और टॉर्चर ये खत्म होना चाहिए और पुलिस मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। ठीक, अब हम समय लगता है, अब ये वंस एंड फॉर ऑल ये लास्ट सवाल, अब इसके बाद कोई सवाल नहीं। अब जिनको मिलना है मैं सुबह 3 बजे जरूर आऊंगा और 3 बजे आप सबका शंका समा, अब सुनो तुम लोग बच्चों, इस बच्ची ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है, एग्जाम के पहले किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये सवालों का सवाल है, मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आपको इम्तिहान के पहले क्या करना चाहिए, एक तो टोटल रिलैक्सेशन, आपने देखा होगा एक जापान में एक पेंटिंग बनती है निंजा वॉरियर, वो बिल्कुल सौम्य और शांत, किसी तरह का कोई तनाव, अपने स्वास्थ्य, अपने खान पान, अपनी दिनचर्या, कल कहाँ पहुंचना है, मेरी सीट कहाँ लगी है, और अपने अंदर विजुलाइजेशन ऑफ विक्ट्री, हम ये सोचें कि मैं जा रही हूँ, मुझे अपनी सीट मालूम है, मेरे इर्द गिर्द दो फरिश्ते हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, मदद उसने की नकल करा रहे हैं ना, लेकिन डिवाइन पावर आपकी मदद कर रही है, आपके माता पिता आपकी मदद कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये जब एफर्मेशन आपका आएगा तो यूनिवर्सल पावर आपको अच्छे से अच्छा कराएगी कि आपको डिवाइन फरिश्ते आपकी मदद में है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है, आप एक कलम की जगह 2 कलम और रिजर्व, ऐसे थोड़ी कि एक कलम की निप टूट गई तो हम हनुमान चालीसा नाखून चबाने लगे, ये सब नहीं, हर चीज की तैयारी, बाहर अगर कोई रिलेशन रुक सके रुक जाए, नहीं रुक सके कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी पूरी, और तैयारी 24 घंटे पहले आपके पेन पेपर, आपके आपकी ड्रेस, आपके कपड़े, आपका खान पान, क्या खा के जाएंगी जिस चीज से, और ऐसा भी ना खा ले पिज्जा वगैरह कि 25 पॉइंट आपका IQ नीचे ना, जिस चीज से आपका, और वो क्या चीजें हैं, दही है, मिल्क है, लाइट फूड है, इस तरीके की चीजें खा के जाए, उसके बाद पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के बाद तैयारी। जॉन मैकेनरो टेनिस का बहुत बड़ा खिलाड़ी है दुनिया, से किसी ने कहा कि अब आप सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, आपका क्या बयान है, उनका नाउ आई वोंट स्पीक माई रैकेट विल स्पीक, इसी तरह जब आप इम्तिहान देने जाएं आप ये दावा कर सके आई वोंट स्पीक माई पेन विल स्पीक, ठीक, थैंक यू।